ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जगल करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बॉल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली, ऑब्जेक्ट को ये थोर है जो ऊपर की तरफ फेंक रहा होता है, और उसके बाद फिर उसकी पोजीशन या हाइट अटेंड ये सब निकालने के लिए आपको पूछते हैं। अब इसमें क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बॉल्स आपको जनरली दिया हुआ होता है, ये गिवन डेटा होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बॉल्स। टी नॉट मान लेते हैं, ठीक है, टी नॉट आपको दिया हुआ है, टू दो सक्सेसिव बॉल के बीच का टाइम इंटरवल है, और उसके बाद फिर प्रोजेक्शन स्पीड मान लो आपके पास वो भी दे रखा है, यू है, प्रोजेक्शन स्पीड इज यू। इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि कम से कम मान लो आपको कम से कम आपको एन नंबर ऑफ बॉल्स को एयर में रखना है, ठीक है, गिवन डेटा जो होता है, ये भी गिवन ही है, एन या रादर मिनिमम एन नंबर ऑफ बॉल्स आर टू बी ऑलवेज केप्ट इन एयर, ऐसा देख रखते हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ बॉल्स को हमेशा एयर में रखना है। तो उसके बाद फिर जैसे स्पीड दिया हुआ है, तो उसके बाद फिर कितना हाइट अटेंड होगा ये सब आपको निकालने के लिए बोलते हैं। तो अब क्या करना है आपको, ऐसे सोच के देखो, अगर मुझे एन नंबर ऑफ बॉल्स हमेशा दिए होते हैं ना एयर में रहना है, तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स जो लेना है, नंबर ऑफ बॉल्स जो टेक लेना है वो आपको एन प्लस वन लेना है। कि क्यों लेना है आपको समझाता हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ बॉल्स टू बी टेकन, इज एन प्लस वन, एंड वी डिस्ट्रीब्यूट देम सिमेट्रिकली, डिस्ट्रीब्यूट देम सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा, जैसे मान लो एक छोटा सा एक एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको ये सिखा रहा हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑब्वियसली वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स सच दैट वी आर एबल टू कीप एबल टू कीप मिनिमम, पहला लिख लेते हैं थ्री या ऐसे लिख लेते हैं फाइव बॉल्स इन एयर, एंड दूसरा सिक्स बॉल्स इन एयर, ठीक है, और गिवन ये है द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव बॉल्स इज 2 second. Also find the maximum height attained by each ball. Attained by each ball, assuming projection speed to be मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। अब देखो जो पहले पार्ट में उसने बोला है पांच बॉल एयर में रखना है, तो पांच बॉल एयर में रखना है, तो हमने एक ज्यादा लिया तो सिक्स बॉल्स लिया। अब सिक्स बॉल्स क्यों ले रहे हैं आपको समझ आ जाएगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा अपने आप समझ आ जाएगा। देखो आपको पहले पाथ में दिखा रहा हूँ कि कोई भी बॉल जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा,
उसके बाद फिर एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद फिर वापस से नीचे की तरफ ये लैंड करेगा, ये उसका ट्रेजेक्टरी दिखना है आपको। अब बॉल्स को मैं देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 6 बॉल लेना है आपको, तो 3 बॉल लेफ्ट की तरफ और 3 बॉल राइट की तरफ, एक भी मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचा होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखना है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये देखो ये ऊपर जब जाएगा, मतलब जो लेफ्ट की तरफ जो सबसे नीचे है वो जब ऊपर जाएगा तो राइट की तरफ वाला बॉल एकदम एग्जैक्टली उस वक्त हाथ में आ जाएगा, नहीं आएगा देखो तो, आएगा नहीं आएगा? Yes, sir, sir. आएगा? तो अभी आप बताओ इसमें कितने बॉल एयर में रहे, एयर में कितने, 5 रहे या नहीं रहे? जब जब लेफ्ट वाला बॉल हाथ से छूटा ऊपर गया तब राइट वाला बॉल तो हाथ में आ गया ना, तो बॉल एयर में कितने रहे आप ये बताओ मुझे। मुझे पता नहीं है फोर कैसे दिख रहा है आपको, पता नहीं जो बॉल ऊपर जा रहा है हाथ से छूट के उसको आप काउंट ही नहीं कर रहे हो मुझे लग रहा है। दिख रहे हैं सभी को 5 बॉल? ठीक है, तो अभी सोच के देखो अगर मैं टाइम इंटरवल्स अगर मार्क करें तो फर्स्ट देखो जैसे 2 सक्सेसिव बॉल के बीच में जो टाइम इंटरवल था वो तो उसने ऑलरेडी दे रखा ना, कितना है, 2 सेकंड का है ना। तो अगर सोच के अगर एक बॉल को मैं फेंकता हूँ टी इक्वल टू 0 पे, तो 0 फिर ये होगा टी इक्वल टू 2 सेकंड्स, फिर ये टी इक्वल टू 4 सेकंड्स, फिर ये टी इक्वल टू 6 सेकंड्स, ये टी इक्वल टू 8 सेकंड्स और ये टी इक्वल टू 10 सेकंड्स, ऐसा होगा ना, होगा? यस सर। तो इस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने का टाइम स्टॉपिंग टाइम कितना हुआ, 5 सेकंड हुआ, नहीं हुआ, दिख रही है आपको, हुई? यस सर। तो यू बाई जी की वैल्यू जो स्टॉपिंग टाइम होती है वो कितनी हो गई आपकी, यू बाई जी विच इज 5 सेकंड्स, तो यू कितना हो गया आपका, 5g हो जाएगा। इसका मतलब ये तो मिनिमम वेलोसिटी है ना, ये तो मिनिमम वेलोसिटी है, तो अगर आपको 5 से ज्यादा बॉल रखना है क्योंकि ये तो एग्जैक्टली 5 बॉल रखने का है ना, देखो उसने क्या क्या रखा है, वी आर एबल टू कीप मिनिमम 5 बॉल्स, मिनिमम 5 बॉल्स के लिए ये, तो 5 बॉल्स अगर रखना होता तो फिर उस केस में एग्जैक्टली 5g से फेंकना पड़ता, बट अगर 5 से ज्यादा बॉल रखने हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 5g से फेंकना पड़ेगा, है ना, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? यस सर। आपका आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है। मेरी आवाज सबको, जिन लोगों को आ रही है एक बार कंफर्म करेंगे? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है चलो, तो इस केस में भी एच मैक्स अगर निकालना, जैसे उसने ये भी पूछा था कि मैक्सिमम हाइट कितना आएगा यू मिनिमम लेके, तो एच मैक्स की वैल्यू अगर निकालें तो एच मैक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते थे याद है आपको, यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर बाई 2g कर लो, तो 5g का स्क्वायर करना है एंड डिवाइडेड बाई 2g कर लेना है, तो हो जाएगा आपका 25g डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर, ठीक है ना, 5g स्क्वायर होगा ना सर, 1g नीचे का कटेगा ना या नहीं काटे, अभी सेकेंड पार्ट पे है, सेकेंड पार्ट में उसने बोला है आपको 6 बॉल को एयर में रखना है, और अगर 6 बॉल को एयर में रखना है मिनिमम तो आपको 7 बॉल लेना चाहिए इस बार और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इस बार 7 बॉल को लेंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चेक करो, ये एक बॉल सिंस 7 बॉल है तो 3 लेफ्ट में होंगे, 3 राइट में होंगे और एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, सिमेट्रिकली मैंने आपको बोला ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये देखो दिख रही है आपको, राइट वाला बॉल जब हाथ में आ जाएगा तो लेफ्ट वाला बॉल ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली कितने बॉल एयर में रह रहे हैं, दिख रहा है आपको, 6 रह रहे हैं ना, अगर आप काउंट करोगे देखो ये 1 2 3 4 5 6 दिख रही है आपको, yes, तो इस बार स्टॉपिंग टाइम कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 6 सेकेंड आ रही है ना, आ रही है, yes, sir. इसका मतलब यू का वैल्यू कितना हो गया, 6g हो गया, तो इसका मतलब ये जो यू 6g है ये कितना है फॉर मिनिमम 6 बॉल्स,
इन एयर, बट अगर आपको 6 से ज्यादा रखना है तो फिर उस केस में यू ग्रेटर देन 6 ही लेना पड़ेगा फॉर ग्रेटर देन 6 बॉल्स. उसके बाद उसने पूछा एच मैक्स, तो वो तो आराम से निकाल सकते हैं. एच मैक्स की वैल्यू विल बी यू स्क्वायर बाय 2g कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 6g का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2g, सो दिस बिकम्स 18g. ये आपका आंसर हो जाएगा. चलो ये तो अब तक जगलिंग वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, अभी रिलेटिव मोशन पे आते हैं. चल सर, स्टॉपिंग सेकंड 6 सेकंड की कैसे आ रहा है? क्या 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 स्टॉपिंग टाइम 6 सेकंड कैसे आ रहा है? आप बताओ कितना होगा इनका एडिशन, मुझे एक बार एडिशन करके दिखाओ. तो एडिशन करके दिखाओ, तो 2+2+2 ऐड करके दिखाओ. ऐड करके दिखाओ ना बेटा, 2+2+2 कितना होता है? 6 आ रहा है, सॉरी. आपके अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा होता तो फिर आप पूछते. आपने सोचा कि हाँ आपका कितना आ रहा था? आप अगर सोचते ये बात कि हाँ आपका कितना आ रहा है, तो अपने आप ही आपको आंसर मिल जाता कि 6 ही आता. रिलेटिव मोशन में मैं पहले मैथमेटिकली कुछ करूं, इससे पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी पहले आपको वर्बली समझाता हूं, वो आप पहले समझने की कोशिश करिए. ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूंगा. देखो एक चीज जो मैंने आपको इनिशियली समझाया था, जब हम मोशन वाले चैप्टर को स्टार्ट कर ही रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि मोशन जो टर्म है वो एक रिलेटिव टर्म है. वो मोशन ऐसी चीज नहीं है जो कोई एब्सोल्यूट चीज है जो हर जगह से एक जैसे दिखती है. आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करोगे, मतलब जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो अगर उसको चेंज करते हो, तो आपको पूरा का पूरा मोशन जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा. मतलब ये प्योरली आपके फ्रेम डिपेंडेंट चीज है, कहां से आप देख रहे हो ये इस पे डिपेंड करता है. अब इसमें सोच के देखो, इमेजिन करो कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है. जैसे हम अगर किसी भी चीज में बैठ जाए, किसी भी चीज में, चाहे वो कार हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बोट हो, चाहे एरोप्लेन हो, कोई भी चीज हो, हम जिस फ्रेम में सिचुएट करते हैं अपने आप को, क्या वो चीज हमें मूव करता हुआ दिखता है? कभी दिखता है क्या? नहीं. जिसमें भी हम अपने आप को सिचुएट करेंगे, कभी भी वो हमारे लिए मूव नहीं करता है. दूसरे के लिए मूव करेगा या मूव कर सकता है, बट हमारे खुद के लिए कभी भी वो मूव नहीं करेगा. तो हमेशा आपको ये चीज का सबसे पहला चीज दिमाग में बिठाना है कि जिस भी चीज में हम बैठ जाएंगे वो चीज हमारे लिए स्टेशनरी हो जाती है. देखो, there's a difference between what you know and what you observe. जब हम question solve करेंगे तो what you observe उस पे base करके question solve करते हैं. What you know इस पे base करके हम question solve नहीं करते. अब इन दोनों में difference क्या है ये सोचने की कोशिश करो. जैसे imagine करो कि आप कार चला रहे हो, ठीक है? आप कार चला रहे हो, तो आप कार चला रहे हो और साइड में, रोड के साइड में कोई एक इंसान खड़ा था, आपने जाके उसको धक्का मार दिया, ठीक है? आप चला रहे थे, आपने उसको धक्का मारा जाके. तो कोई भी बाहर से देखेगा, कोई भी बाहर से देखेगा तो वो तो ये बता देगा ना कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपके कार ने जाके उसको धक्का मारा, ये बता देगा कोई भी, है ना? यस सर. बट इमेजिन करो कि मैं आपको ऑब्जर्वेशन करने बोलूं, आप कार चला रहे थे, आपको ऑब्जर्वेशन करने बोलूं, तो आप क्या रिपोर्ट करेंगे? आप ये बताओ क्या रिपोर्ट करोगे? क्या हुआ था? इंसान चलते चलते मेरे कार के सामने आ गया. एग्जैक्टली, आप ये रिपोर्ट करोगे कि वो इंसान चलते हुए आया और आपके कार से आके टकरा गया, यही तो रिपोर्ट करोगे ना? क्योंकि आप अपने कार को तो चलता हुआ नहीं देख सकते. इंस्टेड आप क्या देखते हो? उल्टा देखते हो ना, कि आप अगर आगे जा रहे हो और कोई चीज खड़ा है तो आप उसको देखते हो क्या पीछे की तरफ आ रहा है, यही देखते हो ना? यस सर. राइट. इसका मतलब आपका रिपोर्टिंग क्या होना चाहिए था? आपका रिपोर्टिंग ये होना चाहिए था कि आई वॉज स्टेशनरी, माई कार वॉज स्टेशनरी एंड द पर्सन केम एंड स्ट्रक माई कार. आपको समझ आ रही है क्या रिपोर्टिंग करनी है आपको? Yes, आपको yes. ये अंदर से आपको ये पता है कि आप कार चला रहे थे तो आपका कार मूव कर रहा था, ये आपको पता है, बट ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं आप ये ऑब्जर्व? नहीं सर. तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा. हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे बेस करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या हम जानते हैं उस पे बेस करके हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, ठीक है? सबसे पहली चीज ये है, ध्यान रखिए. एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे इमेजिन करो कि अगर इमेजिन करो
आप यू नो एक एक यू नो एक एक फ्लोर ऑफ बिल्डिंग से मान लो कि यू नो गिर जाते हो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हो, तो ऑब्वियस रिएक्शन आपका क्या होता है कि हे भगवान मैं गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ, ये रिएक्शन होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। बट सोच के देखो कि क्या ये वियर्ड एक्सप्रेशन नहीं है जो आप कह रहे हो, क्या आप खुद को गिरता हुआ देख सकते हो? क्या आप खुद को गिरता हुआ देख सकते हो? सोचो कि आपने जंप मारा, क्या आप खुद को गिरता हुआ देख सकते हो? आपको गिरता हुआ कौन देखेगा? जो बाहर से होगा, मतलब जो बिल्डिंग के ऊपर से है मान लो या जमीन के नीचे है, वो आपको गिरता हुआ देख सकता है ना, बट आप खुद को गिरता हुआ क्या देख सकते हो? नो सर। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, टेल मी व्हाट विल यू ऑब्जर्व? द ग्राउंड इज कमिंग टुवर्ड्स अस। Yes, good. You will observe that the ground is coming towards you. That is the observation. And exactly यही चीज आपको सीखना है. आपको ये actually पता है कि ground आपकी तरफ नहीं आ रहा था, आप ही नीचे गिर रहे थे, ये आपको पता है ना? Yes, sir. But क्या आप ये observe कर रहे हैं? नहीं sir. So you need to understand the difference between these two. What you know is a different thing, and what you observe is a different thing. When you solve questions of relative motion, you are supposed to report what you are observing. And not what you are knowing. आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, अब इसके आगे मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे जाते हैं. ठीक है, इतनी बात तो समझ आई ना सभी को? किसी को कंफ्यूज नहीं? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, चलो. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ. जैसे मान लो एक नंबर लाइन है, सॉरी, ये मान लेते नंबर लाइन है, ये x equal to 0 का पोजीशन है, ये मान लेते हैं x equal to x1 है, और यहाँ पे एक इंसान है जो वेलोसिटी v1 से जा रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पे मान लो एक दूसरा इंसान है, ये x equal to x2 पे है और इसकी वेलोसिटी v2 दिखा रखी है हमने. ठीक है, हमने सपोजली इनको मान लेते हैं कुछ एक ए और बी नाम दे देते हैं. ठीक है, ये जो मोशन मैंने दिखा रखा है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है. मान लो आपको कोई पूछे मोशन को विथ रेस्पेक्ट टू ए एनालाइज करना है. ठीक है, मोशन को विथ रेस्पेक्ट टू ए एनालाइज करना है, तो अगर मोशन को विथ रेस्पेक्ट टू ए एनालाइज करना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना, राइट? यस सर. आपको क्या समझाया कि जिस भी फ्रेम में आप अपने आप को सिचुएट करोगे वो कभी मूव नहीं करता है. तो देखो मैंने ऐसे क्रिस क्रॉस बना के वहाँ पे एक इंसान खड़ा कर दिया, इसका मतलब है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब वहाँ पे चला जा चुका है. इसका मतलब अब ये हमारे लिए मूव नहीं कर सकता, दुनिया के लिए मूव कर रहा होगा, मेरे लिए नहीं मूव करेगा. अब मेरे से अगर पूछा जाए कि बताओ पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितनी है, तो वो क्या बताएगा, बताओ मुझे क्या बताएगा? x2 minus x1, so this will be position of b with respect to a, right? है ना? Yes, sir. Are you getting? अच्छा काम करते हैं, इनको x a x b कह लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा symbolic हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ये. मैं थोड़ा nomenclature just change कर दे रहा हूँ. a और b लिखा है ना, इसलिए subscript में वो notation भी change कर दे रहा हूँ. Let us say this is x a, this is x b, this is b a and this is b b. ठीक है? So अब किसी ने हमसे पूछा position of B with respect to A पूछा है, तो हमने इसको XBA लिखा है, and this will be XB minus of X कर लिया. अब किसी ने हमसे पूछा कि velocity of B with respect to A बताओ, velocity of B with respect to A चाहिए, तो इसको हमने VBA लिखा, और VBA लिखने का मतलब है DXBA by DT करना पड़ेगा, है ना? पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से तो velocity मिलती है. अब इसको डिफरेंशिएट किया तो एक और क्वांटिटी हो गया DXB by DT and minus of dxa by dt. अब dxb by dt क्या है? This is velocity of b and dxa by dt क्या है? Velocity of a. यही आ रही है? Yes. आ रही है?
एक इंटरेस्टिंग चीज अगर नोटिस करोगे, ये इक्वेशन जो आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज कमिंग आउट ऑफ बी, वीबी प्लस माइनस ऑफ ए, यही है ना? आपको याद है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आपको याद है? हां सर, डायरेक्शन। जब भी हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं इसका मतलब हमें एक जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले रिवर्ट करते हैं और उसके बाद फिर ऐड करते हैं, उसके बाद फिर ऐड करते हैं। मतलब सिंपल टर्म्स में बोले तो रिवर्ट एंड ऐड वाला ही कांसेप्ट लगाना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो vb माइनस va की तरह कभी नहीं सोचो। आपको कैसे सोचना है? vb प्लस माइनस ऑफ va। आपको समझ आ रही क्या करना है? यस सर। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, रिवर्ट वेलोसिटी ऑफ ए और उसके बाद फिर आपको ऐड करना है, ऐड विक्टोरियली, विक्टोरियल एडिशन होना है, ध्यान रखिएगा, विक्टोरियली टू वेलोसिटी ऑफ बी। बस सिंपल सा यही करना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको, अब देखो मैथमेटिकली जो आपने सीख लिया उसकी बात करें, अब इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं एक बार और तो क्या मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालनी है तो ए बी ए लिख रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू डी वी बी ए बाई डी टी करना है और जैसे इसको डिफरेंशिएट किया हो गया ये डी वी बी बाई डी टी एंड प्लस माइनस ऑफ डी वी ए बाई डी टी एंड ये क्वान्टिटी अगर आप देखोगे सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। बिल्कुल वही सेम लॉजिक है। ठीक है, रिवर्ट एंड ऐड वाला कंसेप्ट है। तो अब देखो एक चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, पहला चीज ये कि जब भी आप अपने फ्रेम को किसी एक मूविंग फ्रेम में सिचुएट करते हैं वो दुनिया के लिए मूव कर रहा होगा, आपके लिए क्या होगा, वो स्टेशनरी हो जाएगा। ये सबसे पहला रूल है। और दूसरा रूल, अब आपने मैथमेटिकली सीख लिया आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेम की मतलब जिसमें आपने अपने आप को सिचुएट किया है उस फ्रेम की जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसको आपको रिवर्ट करके सब में वेक्टोरियली ऐड कर देना है। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है। सो सिनॉप्सिस यही है, thus we learn that whenever we fix our reference frame into one of the moving frames, moving objects, then पहला चीज ये है, that object becomes stationary for us. That object becomes stationary for us. हमारे लिए stationary हो गया। दूसरा, we need to revert and add, ध्यान रखिएगा, ठीक है, revert and add the velocity and acceleration of the frame to all other objects, velocity and acceleration respectively. Studying observed from the observed from the moving object. ठीक है, समझ आई सभी को यहाँ तक? समझ आई सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस में हैंडल करना होता है इनको। मैं आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिचुएशन गिवन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो आपको दिखा रहे हैं। ये मान लो ए है, ये सामने की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये मान लो बी है, ये सामने की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। यहाँ मान लो सी है और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे मान लो एक ट्री भी पड़ा हुआ है, इसको टी कह लेते हैं, ये फिक्स्ड है।
ठीक है, ये सिचुएशन जो दिखा रखा है इसने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखा रखा है. अब उसने बोला है मार्क दी वेलोसिटीज, या यू नो इसी सिचुएशन को हमें विद रेस्पेक्ट टू सिचुएशन विद रेस्पेक्ट टू बी ड्रॉ करना है, विद रेस्पेक्ट टू बी. अब बी के रेस्पेक्ट में आपको सिचुएशन क्या दिखेगा आपको वो दिखाना है. ठीक है, मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ झटपट से. देखो अगर मुझे बी के रेस्पेक्ट में देखना है तो सबसे पहला चीज आपको क्या बताया मैंने कि बी को फिक्स करना है ना. हाँ, बताया आपको, ये देखो मैंने बी को फिक्स कर दिया है. ठीक है, अब ये ध्यान रखना बी मूव नहीं कर रही है. अब बी के वेलोसिटी को आपको क्या बताया मैंने, रिवर्ट करके ऐड करना है, याद है. तो बी का वेलोसिटी राइट की तरफ 20 है और अगर इसको रिवर्ट किया तो ये लेफ्ट की तरफ 20 हो जाएगा. होगा यस सर. ये देखो मैं लेफ्ट की तरफ 20 ऐड कर रहा हूं. ठीक है, लेफ्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, लेफ्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, लेफ्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकंड. देखिए आपको यस सर. अब देखो अगर ए के लिए डेटा देखोगे आपको क्या दिख रहा है, देखो 20 लेफ्ट एंड 10 राइट, रिजल्टेंट क्या होगा 10 लेफ्ट. 10 लेफ्ट आएगा, नहीं आएगा, आएगा यस सर. तो आप क्या बोलोगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट. समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है? यस सर. यस सर. यस सर. अगर आप सी के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 25 मीटर पर सेकंड. सी विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है गलत लिख दिया. सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज 25 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट. और ट्री का तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, ट्री का क्या दिख रहा है, 20 मीटर पर सेकंड लेफ्ट है ना, दिख रही है. यस सर. तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बी इज 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट. आई होप आपको समझ आ गई कैसे कन्वर्ट करना है डायग्राम को. समझ आइए सभी को? यस सर. आप देखो जब मैंने 20 को रिवर्ट किया तो क्या मैंने -20 लिखा है वहां पे, रिवर्ट करने पे -20 लिखा है? नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, रिवर्ट करने पे मैग्नीट्यूड क्या चेंज होता है? नहीं सर. तो वो तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी उल्टा कर ही दिया था मैंने, है ना. राइट से मैंने जब लेफ्ट किया तो ऑलरेडी मैंने उल्टा कर दिया ना डायरेक्शन को, तो इसलिए फिर से माइनस नहीं लिखना वहां पे. ठीक है, ठीक है. अब एग्जांपल्स पे चलते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, क्वेश्चन के थ्रू अब सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे. एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं. टू ट्रेन्स हैव लेंथ्स L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली एंड दे मूव on parallel tracks with speed u1 and u2 respectively. Given hai u2 is greater than u1. Find the time in which they cross each other if they move in pehla part is same direction and dusra part is opposite direction. Okay, abhi question kar rahe hain, pehle same direction wala karte hain. Piche kaun sa car train hoga, पहले वाले में पीछे कौन सा होगा, L1 वाला या L2 वाला? सर L1 वाला. L1 होगा. L1 वाला पीछे होगा, तो फिर क्रॉस कैसे कर रहा है? L2 का तो ऑलरेडी स्पीड ज्यादा है L2 वाले का. अरे जो फास्टर होगा वही तो क्रॉस करेगा ना स्लोअर वाले को. यस.
तो फिर कैसे आप आंसर कर रहे हो? क्या हीट एंड ट्रायल मारते हो क्या बिना सोचे समझे? नहीं, मुझे लगा वहां से स्टार्ट हो रहा है। अरे ऑलरेडी जो स्लोअर है और वो अगर आगे है तो फिर वो सॉरी पीछे है तो फिर कैसे वो ओवरटेक कर क्रॉसिंग वाला सिचुएशन आएगा? चलो ठीक है, नहीं देखो जरा, देखो ये पहला वाला ट्रेन है, ये मान लेते हैं L1 लेंथ का है और इसकी वेलोसिटी हमने मार्क कर रखी है दिस इज U1, ठीक है। और L2 वाला जो ट्रेन है वो आपका पीछे की तरफ है, इससे पीछे होगा, इसकी लेंथ L2 मार्क कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी को हमने U2 मार्क कर रखा है, ठीक है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको L1 वाला ट्रेन भी आगे जाता हुआ दिखेगा, L2 वाला ट्रेन भी आगे जाता हुआ दिखेगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू L1 वाला ट्रेन, L2 वाला ट्रेन तो फास्टर मूव कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes, sir. इसीलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ओवरटेक करता हुआ दिखेगा, तो ग्राउंड में देखने से दोनों ही मूव करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अपने सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अपने फ्रेम को मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने सिचुएट कर दिया है, ठीक है, जो आगे उसके अंदर सिचुएट कर दिया। इनको कुछ नाम देते हैं, ए और बी कह लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ए वाले ट्रेन में अपने फ्रेम को सिचुएट कर लिया है, अब वो फिक्स्ड हो गया या मूविंग है मेरे लिए? फिक्स्ड हो गया, बट इसकी वेलोसिटी को रिवर्ट करके आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो देखो रिवर्ट करके ऐड किया U1 को, अब U1 और U2 में से कौन बड़ा था? U2। तो इसीलिए अब ए वाले ट्रेन को बी वाला ट्रेन आता हुआ दिखेगा ना कितने से, U2 माइनस U1 से। और ओवरटेकिंग हम क्या मानेंगे, कब हो गया ओवरटेकिंग? जब ए का जो फ्रंट एंड है उसको बी का बैक एंड क्रॉस कर चुका होगा, तभी तो मानेंगे ना क्रॉस कर गया। देखो तो यही सिचुएशन है ना क्रॉसिंग का, राइट। तो अगर आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितने का है तो क्या लिखोगे आप? U2 माइनस ऑफ U1 लिखोगे, नहीं, राइट। और इसने कितनी स्पीड से चल के एक कवर किया ये आपको पता है, और टोटल डिस्टेंस देखो उसने कितना कवर किया है, L1 प्लस L2 कवर किया, दिख रही है आपको? दिख रही है? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू द टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव हुआ है L1 प्लस L2, and velocity of b with respect to a kitna tha u2 minus of u1, in dono ko divide kar diya, answer mil gaya. samajh aaya? yes sir. ab agar ye puche ki jaise train a ne kitna distance travel kiya, train b ne kitna distance travel kiya, to time interval to already mil chuka hai, ab usse individual velocity ko multiply karke hum distance travel bhi nikal sakte hain, theek hai. agar wo puchte to waise nikal lete, yahan pucha nahi hai, wo nikal lete. ab second part pe aate hain. सेकेंड पार्ट में उसने बोला है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन फास्टर मूव कर रहा है, ये देखो, ये मान लेते फिर से ए, ये बी, इसकी वेलोसिटी इधर U1, इसकी वेलोसिटी इधर U2, लेंथ L1 और लेंथ L2, और फिर से आपको पूछा है कि कितने टाइम पे लोग क्रॉस करेंगे दूसरे को, तो फिर से मैंने क्या किया, अपने फ्रेम को सिचुएट कर लिया ए पे और रिवर्ट एंड ऐड किया, रिवर्ट एंड ऐड किया, तो देखो U1 और U2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी दिख रही है आपको, U1 प्लस U2, राइट। और इस वेलोसिटी से इसको चलना है, और क्रॉसिंग कब मानेंगे, जब बी का टेल ए का हेड को क्रॉस कर चुका होगा। Yes, ये सिचुएशन, दिस इज बी और ये इस तरफ जा रहा होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसने कितना डिस्टेंस फिर से कवर किया, देखो तो क्या L1 प्लस L2 ही कवर किया ना उसने? हां सर, ठीक है। तो फिर से टाइम का तरीका वैसे निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव आपका L1 प्लस L2 है तो बस वैसे निकालेंगे, सो डेल्टा टी टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बी SBA रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड डिवाइडेड बाय U1 प्लस U2। समझ आई आपको? यस सर।
समझ आई? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखो, अ ट्रेन इज रनिंग at a speed of a train is running at a speed of v naught along a straight track. A bird at the rear end of the train flies towards the front end and returns back to the rear end. Its velocity relative to train was same in forward and return journey given by V. Find the net displacement of bird. Bird की net displacement कितनी हुई है ये आपको निकालनी है. ठीक है, देखो सिचुएशन कैसा है. अगर ग्राउंड से देखोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा. देखो कैसा दिखना है आपको, जैसे ये ट्रेन इमेजिन करो और ये आगे की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी वी नॉट. ठीक है, और यहाँ पे एक बर्ड है जो सामने की तरफ भाग रहा है. ठीक है, अभी रियर एंड से स्टार्ट किया तो फ्रंट एंड की तरफ जाएगा. उसने ऑलरेडी डेटा तो दे रखा है, देखो कहाँ गया, इट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू ट्रेन. ठीक है, ये ध्यान रखो, रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं, रिलेटिव टू ट्रेन वॉज सेम इन फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी. ठीक है, तो अब ऐसे सोच के देखो, अगर हमसे कोई ये पूछे कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन अगर निकालनी है तो क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यही करोगे आप. तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन करना पड़ेगा. राइट है ना, और ये वेक्टर होगा ना, ये वेक्टोरियल एडिशन होगा. इसका मतलब क्या है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तब प्लस ही रहेगा, बट ये दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब उस केस में माइनस हो जाएगा. राइट है ना, है ना. यस सर. तो जाते वक्त तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो जाते वक्त अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बर्ड का जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा, इसको अगर मैं वी वन मार्क कर रहा हूँ जाते वक्त, तो क्या ये वी नॉट प्लस वी हो जाएगा, होगा नहीं होगा. ठीक है, अब ये स्पीड से जा रहा है और उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, ट्रेन कहीं आगे पहुंच गया होगा. ये देखो ट्रेन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया मैंने और ये एकदम फ्रंट एंड पे मान लेते पहुंच चुका है. ठीक है, ट्रेन अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, ट्रेन अपना वी नॉट से ही चल रहा है. अब ये यू नो पीछे एकदम फ्रंट एंड पे पहुंच चुका है. अब फ्रंट एंड पे पहुंचने के बाद अब उसको पीछे जाना है. जब पीछे जाएगा तो वी बी टी पीछे है और वी टी मतलब ट्रेन का वेलोसिटी आगे है, तो रिलेटिव में क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट हो जाएगा, होगा नहीं होगा. और उसके बाद फिर फाइनली वो क्या होगा, वो एक जगह पे पहुंचेगा. तो फिर फाइनली आपका ट्रेन मान लेते कहीं यहाँ पर पहुंच गया. ठीक है, और यहाँ ट्रेन पहुंच चुका है और आपका बर्ड भी यहाँ पे पहुंच चुका है. ठीक है, अब इतने दूर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना है. एक चीज अगर मैं कॉमन सेंस से सोचूं तो जितना ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या बर्ड का भी सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, देखो तो हुआ ही नहीं हुआ, दिख रही है आपको,
So displacement of train is equal to displacement of bird. ये समझ आ रही है ना आपको? समझ आ रही है सभी को? ठीक है? Yes sir. Okay. अब मेन चीज आपको क्या निकालना है? अब मेन चीज देखो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन तो पता है, तो अगर आपको टाइम पता चल जाए कि कितने टाइम में ये पूरा इवेंट हुआ है, तो फिर तो आप आसानी से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इनटू टाइम करके निकाल सकते हैं ना, कर सकते हैं, राइट? सर एक और बार ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर। अगर आपको टाइम पता चल जाए कितने टाइम में ये पूरा जर्नी कंप्लीट हुआ है, तो टाइम से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को मल्टीप्लाई करके हम टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। हाँ सर। हाँ। सो अब आपको क्या निकालना है? अब बेसिकली आपके लिए बस ये बचा है कि आप ये निकाल लो कि कितना टाइम में ये इवेंट हुआ है। अच्छा एक डेटा मैंने शायद नहीं दिया, ट्रेन का लेंथ नहीं दिया है, एक मिनट रुको, ट्रेन का लेंथ देते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ट्रेन का लेंथ एल मान लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो हमारे लिए आसान काम था टाइम निकालने के लिए, वो हमारे लिए फ्रेम ऑफ ट्रेन ही आसान होता है, नहीं सोच के देखो। अगर हम ट्रेन में खड़े होके देखते, सोचो अगर मैं ट्रेन में खड़े होके देखता, जैसे इमेजिन करो ये ट्रेन है, जैसे विजुअलाइज करो आप, दिस इज द ट्रेन, ये भले ही आगे जा रहा हो वी नॉट से, और यहाँ पे बर्ड है जो किसी भी वेलोसिटी से आ रहा हो, मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को यहीं पे सिचुएट कर लेता हूँ, ट्रेन में सिचुएट कर रहा हूँ, तो अब क्या मुझे ट्रेन मूव करता हुआ दिखेगा? नहीं, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो गया ना, और उसने क्या कह रखा था बताओ मुझे, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बर्ड का जाते वक्त का जितना वेलोसिटी है, आते वक्त का भी सेम वेलोसिटी था ना, तो इस केस में देखो ये जाएगा भी कितने वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो कि आपका कितना है, वी दिया हुआ है, तो इस वेलोसिटी से गया और एक एंड पहुंचने के बाद रिटर्न आते वक्त भी अब सेम स्पीड से आ रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन सेम स्पीड से आ रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, आई गेटिंग इट, समझ आ रही है आपको? यस सर। तो ये आपका फिर से वी है, तो देखो गया वी स्पीड से, आया वी स्पीड से, और टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 12, तो टाइम ऑफ मीटिंग जो टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम ऑफ जर्नी जो है वो कितना है, एल बाई वी प्लस एल बाई वी, समझ आई आपको? समझ आई आपको? और ये कितना हो गया, 2l by v हो गया, and अब जो displacement of bird निकालनी थी आपको, जो कि आपका displacement of train से मैच कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, velocity of train and multiplied with time interval कर लेंगे, velocity of train तो आपको v not दिया हुआ है, इसके साथ 2l by v multiply कर दिया, समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन कैन स्विम विथ अ वेलोसिटी v1 relative to water. Water flow velocity on a rough day is known to be v2. The person swims from a point A to point B downstream in time t1 and then back from B to A upstream in time t2. Find the time he would take to make
the round trip from A to B to A on a calm day. Calm day matlab flow nahi ho raha river. River, water isn't flowing. ठीक है, ये आपको निकालना है. फिर से देखो क्वेश्चन का डेटा को इंटरप्रेट करो. उसने कह रखा है पर्सन कैन स्विम विद अ वेलोसिटी v1 रिलेटिव टू वाटर. रिलेटिव टू वाटर कहने का मतलब क्या है? रिलेटिव टू वाटर कहने का मतलब क्या है? हमारा फ्रेम कहाँ पे होगा तब ये दिखेगा. कहाँ पे? वाली में, वाटर में. और ठीक है, वाटर में होगा तब. और मैंने आपको ये भी समझाया कि जिस भी फ्रेम में आप अपने आप को सिचुएट करते हो वो फ्रेम आपके लिए स्टेशनरी हो जाती है. होती है ना? इसका मतलब इन दोनों को कोरिलेट करें तो हमें क्या मिल रहा है? मतलब कि अगर पानी स्थिर होता, मतलब स्टेशनरी होता, तब जो पर्सन वेलोसिटी से मूव करता वो भी वन होता ना, है ना? ठीक है, तो ये चीज आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत है. इस चीज से हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस चीज से हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, इफ रिवर wasn't flowing, then his speed would have been V1. ठीक है? अब ये सोच के देखो. अगर मैं ये पूछूं कि velocity of man with respect to river अगर पूछे, ठीक है, ये कितना होगा? तो अब क्या लिखोगे? velocity of man and minus of velocity of river. तो अगर आपसे velocity of man पूछा जाए कितना है, तो आप क्या बोलोगे? velocity of man with respect to river and plus velocity of river. यही तो बोलोगे ना, right? है ना? Yes sir. अब सोचो इसी चीज की जब आप वैल्यू लिखोगे, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे. अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सेम डायरेक्शन में कब होंगे? डाउनस्ट्रीम में. डाउनस्ट्रीम मतलब कि जिधर रिवर फ्लो कर रहा है उधर ही आप जा रहे हो. तो उस केस में क्या हो जाएगा? VMR plus VR हो जाएगा फॉर डाउनस्ट्रीम. ये डाउनस्ट्रीम में हो जाएगा. और अपस्ट्रीम के लिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों उल्टे तरफ होंगे. तो VMR minus VR, this is for upstream. ठीक है? अब यही वाले वैल्यूज आपको क्या क्या दे रखे हैं उन्होंने? VMR आपको गिवन है V1 है, this is V1, and VR दे रखा है ये V2 है. These are given data. ठीक है? तो अब इसी को अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं एस है. ठीक है, तो जो टाइम T1 होगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि एस डिवाइडेड बाई V1 plus V2 होगा? ले सकते हैं? ये डाउनस्ट्रीम का है, ले सकते हैं? Yes, sir. ये जो S लिया मैंने, this is distance between A and B. अपनी माइक्रोफोन ऑफ करिए. अभी अरे बाबा माइक्रोफोन ऑफ करो. सबा अंजुम आपका माइक्रोफोन ऑफ करिए. ओके, देखो भी. अब अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो टाइम T2 दे रखा उसने, डिस्टेंस तो वही है और बी के बीच में, तो S डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा आपको? V1 माइनस V2 करना पड़ेगा. ठीक है? हाँ सर. ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड टाइम है हमारे लिए, जो रिक्वायर्ड टाइम है, उसने क्या बोला है? देखो क्या हमें पूछा है उन्होंने. Find the time he would take to make the round trip from A to B to A, मतलब A से B भी जाना है और B से A भी आना है, on a calm day. Calm day मतलब कि जहाँ पे river नहीं flow कर रहा है. जब river flow ही नहीं कर रहा है तो उसकी velocity VMR ही रह जाएगी, है ना? Yes sir. Yes sir. तो इस केस में अब उसको total distance कितना cover करना है? जाते वक्त भी S and आते वक्त भी S. S और S मिला के 2S हो गया. And total जो velocity है उसकी जो जाते वक्त और आते वक्त वो तो same ही है. ये हमारी है और वो कितना हो जाएगा आपका? V1 ही रह जाएगा. समझ आई आपको? Yes. तो कितने हो गए? देखो ये this becomes 2 by V1 times of S आ गया, या 2S by V1 ऐसे लिख सकते हैं. तो आपको अब indirectly आपको ये सोचना है, तुम देखो इस expression को अगर आप देखोगे तो expression में मुझे V2 नहीं चाहिए ना, दिख रहा है आपको? Yes sir. ठीक है, expression में V2 नहीं चाहिए तो V2 को eliminate कर दो. V2 eliminate करने का तरीका क्या होगा? इन दोनों relation से
आप v1 और v2 का वैल्यू निकालो, v1 plus v2 है s by t1 और v1 minus v2 है s by t2, इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया तो देखो तो आपको v1 मिल रहा है क्या, twice of v1 is s into 1 by t1 and plus t2 आ रही है, और इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगी आपके पास 2 times of s divided by v1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू is s by 2 into 1 by t1 and plus 1 by t2 हो जाएगा, and that becomes 4 t1 t2 divided by t1 plus t2 आ जाएगा, समझ आइए। समझ आई सभी को? एकदम सेम अप्रोच, एकदम सेम अप्रोच एस्केलेटर वाले क्वेश्चंस में भी होता है, एकदम सेम अप्रोच, क्योंकि उसमें भी क्या होता है एस्केलेटर पानी के जैसा बिहेव करेगा, जैसे सोचो कि पानी बह रहा है तो उसमें आप भी बह रहे हो, मतलब आप भी स्विम कर रहे हो, और एस्केलेटर क्या होता है एस्केलेटर या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे जा रहा होगा, और आप भी एस्केलेटर पे चलना स्टार्ट करते हो, है ना, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? तब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपकी माइक्रोफोन बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ रखिए, सभा आपको बोल रहा हूं मैं, माइक्रोफोन को ऑफ करके रखिए, हाँ मैं ये बोल रहा था कि एस्केलेटर वाले क्वेश्चंस का भी अप्रोच एग्जैक्टली आइडेंटिकल रखे गए, जो रिवर का वेलोसिटी है वो एस्केलेटर का वेलोसिटी बन जाएगा, और जो पर्सन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हम मान रहे थे v1, वो पर्सन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर हो जाएगा, समझ आ रही है, एस्केलेटर सॉरी एलिवेटर नहीं एस्केलेटर हो जाएगा, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसलिए वो वाले क्वेश्चन अब नहीं करा रहा हूँ, एकदम सेम कंसेप्ट पे आपका डील होगा, ये एकदम सेम कंसेप्ट है, उसमें कुछ अलग नहीं है, इसलिए वो नहीं करा रहा हूं मैं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। टू ट्रेन्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 400 मीटर्स आर मूविंग on two parallel tracks in same direction with A ahead of B with same speed of 72 kilometers per hour. The driver A के बाद क्या ahead the driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second squared. If after 50 seconds B just brushes past A, calculate the initial distance between rear end of A and front end of B. ये आपको निकालनी है, ठीक है? जो सिचुएशन दिया हुआ है देखो, दो ट्रेन है A और B, दोनों का लेंथ दिया हुआ है, दोनों पैरेलल ट्रैक में मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड भी दी हुई है, A आगे है और B पीछे है, तो मैं इसको जो डेटा दिया है पहले उसको लिख लेता हूँ, सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, आपको कन्वर्जन का फैक्टर पता है क्या होता है? यस सर, 5/10 मल्टीप्लाइड 5/10 गुड, 5/10 का फैक्टर है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखो,
आपको पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 18 यहाँ पे हो गया, ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। अब दोनों ट्रेन को यहाँ पे दिखा देते हैं, जो सिचुएशन होता है उसके सुटेबल एक डायग्राम बस ड्रॉ कर लिया करो, उसके बाद आधा काम डायग्राम के बाद ही खत्म हो जाएगा, यहीं से खत्म हो जाना है। ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ इनिशियल सेपरेशन था, वही निकालना था हमें। ये देखो, ये वाली जो सेपरेशन है ये अननोन है, इसको एक्स नॉट कह लेते हैं, यही हमें निकालना है, ठीक है। दिस इज सपोज टू बी फाउंड आउट, ए का वेलोसिटी उसने ऑलरेडी दे रखा है, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड, और बी का भी वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने दे रखा है, ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ए के बी के पास एक एक्सेलरेशन भी है और ये दे रखा है उसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इफ आफ्टर 50 सेकंड्स बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, ओके, 50 सेकंड लग रहा है उसको ए को ओवरटेक करने में, तो ए भी आगे मूव कर रहा है और बी भी आगे मूव करके क्रॉस कर रहा है, इसको नहीं करके हम क्या करें, अपने फ्रेम को ए में ही सिचुएट कर लेते हैं। अब मेरे लिए ए तो स्टेशनरी हो गया ना, हो गया। अब ए की वेलोसिटी को जब मैंने रिवर्ट करके ऐड किया, देखो तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या था, क्या ये मैटर करेगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही है, क्या ये कैंसिल कर गया, नहीं दिख रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको जीरो दिख रही है, ठीक है, और ए के पास तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिखेगा, और इस एक्सेलरेशन से वो आएगा और ए का फ्रंट एंड को जब क्रॉस करके निकल जाएगा, तभी तो बोलेंगे ना कि इट हैज वेंट पास्ट ए, बोलेंगे ना, बोलेंगे, बोलेंगे। Yes, sir. तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और नॉट। Yes, sir. तो अगर मैं ये बोलूं कि displacement of b with respect to a कितनी होनी चाहिए, तो half of acceleration of b with respect to a into t square कर सकते हैं। Yes, sir. और displacement ये आप आराम से निकाल सकते हो, ये जाएगा half into one and time का square, time आपका 50 दिया था second में, तो ये 50 का square हो जाएगा। ये अगर आप देखोगे तो 1250 meters आ रही है, आ रही है? Yes, sir. अब एक चीज चेक करो, दोनों ट्रेन का लेंथ उसने दिया था 400 मीटर है, देखो दोनों की ट्रेन की लेंथ की आपको 400 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने ऑलरेडी पता है 400 प्लस 400 ये कितना हो गया 800 मीटर, 800 प्लस। तो इस SBA को हम क्या लिख सकते हैं, x नॉट प्लस 800 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो अब x नॉट निकाल कितने हैं, तो x नॉट बिकम्स 450 मीटर, समझ आई सभी को? समझ आ रही है सभी को? Yes, sir. आप में से कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि आपकी वॉइस आ नहीं रही, आपकी वॉइस क्रैम्प हो रही है, कट रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, moves with a constant speed v on a straight road. A thief is at a distance d ahead and starts from rest with a constant acceleration a. Find v such that thief gets caught. Thief को पकड़ने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो आप ग्राउंड फ्रेम से वापस से कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, दोनों फ्रेम से ही करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक पुलिस जीप है, इसकी वेलोसिटी वी है, ये ऑब्वियसली पीछे होगा क्योंकि थीफ को पकड़ना है, इसको थीफ को मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, ये थीफ है,
ये रेस से स्टार्ट कर रहा है बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बट इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन दोनों के बीच की इनिशियल सेपरेशन ये सेपरेशन आपको डी दे रखी है ये टी इक्वल टू जीरो और ये भी टी इक्वल टू जीरो पे एक जगह से अपने अपने जगह से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद की अगर हम बात करें थोड़ी देर के बाद की बात करें जहाँ पे अगर मान लेते हैं पकड़ ले रहे हैं तो पुलिस को जिस लाइन पे चलना है सोचो पुलिस को जिस लाइन पे चलना है और थीफ को जिस लाइन पे चलना है दोनों को पैरेलल एक ही जगह पे आना पड़ेगा ना तभी तो पकड़ा होगा ये समझ आ रही है आपको yes, sir. समझ आ रही है तो अगर मैं ये डिस्टेंसेस को मार्क करूं सोचो थीफ ने कितना डिस्टेंस मूव किया क्या हम हाफ 80 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं yes, और पुलिस जीप ने कितना डिस्टेंस मूव किया क्या इसको वेलोसिटी इनटू टाइम वीटी लिख सकते हैं लिख सकते हैं यस सर अब ये कंडीशन को यूज करो जो डिस्टेंसेस का रिलेशन दिख रहा है देखो वीटी का वैल्यू कितना है डी प्लस डी प्लस हाफ 80 स्क्वायर इसका मतलब 80 स्क्वायर प्लस 2d माइनस ऑफ 2vt यार ये अगर आप देखोगे तो t में क्वाड्रेटिक आ रही है और पकड़ा तो तभी जाएगा ना जब t का रियल वैल्यू मिलेगा है ना अगर t का इमेजिनरी वैल्यू आ गया मतलब t का इमेजिनरी वैल्यू आया तो क्या पकड़ा जाएगा नहीं सर नहीं तो इसका मतलब फॉर देयरफॉर फॉर थीफ टू गेट कॉट फॉर थीफ टू गेट कॉट जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट मतलब अरे एक मिनट 2vt यहां पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं एक मिनट अभी देखो तो अभी क्या देखो तो 2v का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इनटू 2d दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है ये देखो ये 2 का स्क्वायर और 4 ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर ई ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर 280 होनी चाहिए तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी रूट अंडर 280 से बड़ी होनी चाहिए अगर उससे बड़ा हुआ तो पकड़ा जाएगा अदरवाइज नहीं पकड़ा जाएगा देखो मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये ग्राउंड फ्रेम से किया है मतलब ग्राउंड फ्रेम में ये दिखेगा आपको क्यों ना ऐसा करें कि किसी एक फ्रेम में अपने आप को सिचुएट कर लें दोनों मूव कर रही है तो किसी एक में अपने फ्रेम को आप यहाँ पे क्या करो सिचुएट करो किसी भी एक में जिसमें अच्छा लगे आपको उसमें सिचुएट करो किसमें बैठना है पुलिस में या चोर में किसमें बैठना है थीफ में बैठना है पुलिस आप कोई एक में ही बैठ सकते हैं पूरा नहीं कर सकते किसमें बैठना है पुलिस में सर पुलिस में बैठना अच्छा ठीक है सर पुलिस के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं ये ऑल्टरनेटिव दिखा रहा हूँ ठीक है पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या सिचुएशन था उसको फिर से ड्रॉ करो पहले ठीक है ये पुलिस था पुलिस के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी दिस वी वाज कांस्टेंट और यहाँ पे अपना कहीं पे थीफ मान लेते हैं और थीफ के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं था बट इसके पास एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट था ठीक है अब आपको अपने फ्रेम को पुलिस में शिफ्ट करना है तो पुलिस क्या मूव कर रहा है अब आपके लिए नहीं सर नहीं बट पुलिस का वेलोसिटी को आपको रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा ना सर देखो रिवर्ट करके ऐड कर रहे हैं तो ये रिवर्ट करके जब हमने ऐड किया तो ये भी पीछे हो गया इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस ये क्या दिख रहा है आपको वी टुवर्ड्स पुलिस टुवर्ड्स माइनस क्यों बोल रहे हो माइनस क्यों बोल रहे हो माइनस क्यों बोला आपने माइनस किसने बोला बताओ मुझे मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूं माइनस किसने बोला सर ऑपोजिट हो रहा है इसीलिए थप्पड़ मारूंगा अभी इतने देर पहले मैंने समझाया वहां पे कि नेगेटिव कर रहे तो आपका तो डायरेक्शन तो उल्टा कर ही दिया आपने फिर नेगेटिव क्यों लिखना है आपको ये उल्टा किया ये नेगेटिव नहीं समझ आ रहा आपको उल्टा किया नेगेटिव नहीं समझ आ रहा आपको हां सर फिर अभी भी आपको डायरेक्शन में पता नहीं चल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है डायरेक्शन तो उल्टा कर ही दिया अब फिर माइनस क्यों लिखेंगे वहां पे सो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज वी टुवर्ड्स पुलिस एंड एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज कितना ए अवे फ्रॉम पुलिस
दिख रही है, दिख रही है सभी को? हाँ सर। अब इस डेटा से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो बताओ? थीफ का मोशन डिसेलरेटेड है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर। यस सर। और डिसेलरेटेड मोशन है इसका मतलब थोड़ी देर बाद आके रुकेगा ना कहीं ना कहीं। इसका मतलब अगर मैं रिलेटिव स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पुलिस जो होगा, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, ऐसे लिख लेते हैं। जो नोटेशन हमने यूज किया था वही लिख लेते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, अगर ये निकालते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, यही करते हैं? करते नहीं करते? तो देखो ये क्या आ रही है, वी स्क्वायर बाई टू ए आ रही है, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर ये थीफ यहाँ पे कहीं आके रुक गया, इमेजिन करो यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पे था, तो क्या पुलिस पकड़ पाएगा उसको? क्योंकि वो पुलिस के पास पहुंचा ही नहीं, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी ये है कि ये आगे निकल के पुलिस को आगे निकल के कहीं यहाँ पे रुका है ना। यस सर। अगर ये आगे निकल के रुका तो पुलिस को क्रॉस करके तो गया ना। यस सर। और अगर पुलिस को क्रॉस करके गया तो पुलिस पकड़ नहीं लेगा उसको? यस सर। तो पकड़ने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या होना चाहिए बताओ? कि उसका जो डिस्टेंस ज्यादा हो या उतना ही हो। एग्जैक्टली। ये जो गुड, या तो ज्यादा हो या तो उतना ही हो। ये जो रिलेटिव हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट किया है थीफ का विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर इनिशियल डिस्टेंस से बड़ा हुआ तो उसको पकड़ लेगा। आपको समझ आई? यस सर। तो देखो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, सो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, और स्टॉपिंग डिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाल रखा है देखो v स्क्वायर बाय 2a एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू d, सो v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर 2ad। देखिए आपको, हां सर, देखो ये एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का, और इधर से देखो आपने कितना मेहनत किया। आपने डायग्राम में पहले डिस्टेंस को निकाला, डिस्टेंस को इक्वेट किया, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म किया, क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, और यहां पे सिंपली एक चीज मैंने देखा कि जब मैं अपने आप को पुलिस के फ्रेम में सिचुएट कर रहा था तो मुझे ये दिख रहा था थीफ का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीफ डिसेलरेटेड मोशन में है, और डिसेलरेटेड मोशन में इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रुकेगा, और जब भी रुकेगा तो अगर मुझे क्रॉस करके रुक रहा है इसका मतलब क्या है कि मैं रास्ते में उसको पकड़ लूंगा, और अगर मेरे को क्रॉस करने से पहले ही रुक गया है इसका मतलब तो मैं कभी उसको नहीं पकड़ पाऊंगा। आई होप आपको समझ आई ये बात। यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। टू कार्स आर मूविंग विथ स्पीड U1 एंड U2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट रोड। When the separation between them was d, when the separation between them was d, both of them apply sudden brakes which cause deceleration of A1 and A2 respectively in them, then find the condition to avert collision, matlab collision ko band na ho, uske liye condition avert, avert collision. आपको चार ऑप्शन भी देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। D greater than or equal to U1 plus U2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A1 plus A2। ऑप्शन B इज D greater than or equal to U1 plus U2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A1 minus A2।
सी डी ग्रेटर देन और इक्वल टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए वन माइनस ए टू देन ऑप्शन डी इज डी ग्रेटर देन और इक्वल टू u1 का स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ a1 प्लस u2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a2 बताओ कौन सा है आपके पास 2 मिनट का टाइम है ऑप्शन सी कौन बोल रहे नाम बताएंगे एक बार सर महिमा महिमा यस आप एक बार वर्कआउट भेजिए तो अपना ग्रुप में मैं देखो एक बार सर यूवन हाँ बोलिए यूवन कोई कुछ बोल रहा था यूवन सर वो एक्सप्रेशन जो है ना फर्स्ट वाला वो आ रहा है लेकिन कोलिशन नहीं होने के लिए तो लेस लेस होना चाहिए या बड़ा ही होना चाहिए डी इनिशियल सेपरेशन तो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है ना या कम होगा तो अच्छा है होगा भी तो कोलिजन तो होगा नहीं ना तो कोलिजन नहीं तो करवाना है तुमको हाँ तो ए हो जाएगा फिर से ए हो जाएगा पक्का हाँ सर वही हाँ सर ए होगा ए होगा हाँ सर ये होगा क्योंकि ऑपोजिट में है तो वेलोसिटी उस तरफ हो जा रहा है ना रिलेटिव मोशन से कौन बोल रहे हैं उमेश तमिमा बोल रहे हैं हाँ सर ठीक है मैं आपको बताता हूँ क्या गलती है पहले एक बार महिमा अपना वर्कआउट भेजिए आप महिमा अपना वर्कआउट भेजा आपने यस सर क्योंकि आपका ये आपका तो बिल्कुल वाहियात आ रहा है इसलिए मैं आपका ही सिर्फ सोल्यूशन देखना चाह रहा हूँ बाकी जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए उनका कुछ हद तक तो यू नो सही मान भी सकते हैं आपका आया नहीं अभी तक आपने भेजा है महिमा आपका सर सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मैं एक बार और ट्राई करूं ग्रुप में भेजो आप अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें फोटो खींच के भेज दो अच्छा सर एक मिनट क्योंकि ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था ने कैसे निकाला वही मैं देखना चाहता हूँ अच्छा चलो ठीक है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं बाद में दिखा देना मैं आपको दिखाता हूँ चलो कभी टाइम वेस्ट होगा A is coming. क्या कौन सा A is coming? कौन बोल रहे हैं? सर ज्योतिष मेहता. ओके देखिए एक बार चेक करके देखिए बेटा ज्योतिष मेहता एक बार देखिए. जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा कार A है. और इसे दिस इज कार A. And this is moving with a velocity of u1. And here we have car B. This is moving with a velocity u2. Both apply brakes, so obviously both will undergo deceleration. So ye A1 and ye A2. Both have an initial separation of D between them. अब आप लोगों ने क्या किया पहले मैं वो करता हूँ फिर आपको समझ आएगा कि मैंने क्या गलती की बाद में बता दूँ आपने किसी एक में फ्रेम को फिक्स किया और रिवर्ट एंड ऐड का लॉजिक अप्लाई किया रिवर्ट एंड ऐड करोगे तो यहाँ पे U1 रिवर्ट हो गया और A1 को भी रिवर्ट करना है तो ये रिवर्ट कर दिया तो अब आपको क्या दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको दिख रहा है दिस इज u1 प्लस u2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दिख रहा है दिस इज a1 प्लस a2 एंड बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन है ना ये दोनों ऑपोजिट है और ऑपोजिट मतलब क्या डिसेलरेटेड है और डिसेलरेटेड है मतलब आपने ये सोचा फिर से स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाले तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 यही लिखा ना आपने है ना और फिर कंडीशन क्या है कि अगर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस डी से कम है तो फिर तो अवॉइड हो जाएगा ना सो देयरफॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर लेसर देन और इक्वल टू डी हो गया तो कोलिजन अवॉइड हो जाएगा
यही किया आप सभी ने क्या ना ग्रेटर देन हाँ डी ग्रेटर देन ओ हाँ 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 सॉरी सॉरी सर हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ अब एक चीज देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अब ये सोच के देखते हैं तुम ये सोच के देखो तुमने जब ये रिवर्ट एनाड वाला लॉजिक लगाया और तुमने एक्सेलरेशन रिवर्ट करके ऐड कर रखा है ऑलरेडी बी में ये जब तक रिलेटिव टू ए बी नहीं रुक रहा है तब तक ए वन और ए टू दोनों है बी के पास है या नहीं है ये मान के चल रहे हैं है ना सर इसका मतलब हमने ये भी मान रखा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ए पहले रुक जाए और बी बाद में रुके मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ए पहले रुके और बी बाद में रुके ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा तुमने रूल आउट कर दिया है ना बट देयर वाज अ पॉसिबिलिटी और नॉट दैट ए स्टॉप्ड फर्स्ट एंड बी स्टॉप्ड लेटर यस यस सर बट व्हेन यू हैव रिवर्टेड एंड एडेड ए का एक्सेलरेशन ए वन थ्रू आउट द जर्नी ऑफ बी इजंट इट अ टेक्निकल मिस्टेक ओवर हियर Yes. समझा तो ये वाला सोल्यूशन जो है ये वाला सोल्यूशन ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया एंड रीजन क्या है रीजन बीइंग सिंस स्टॉपिंग टाइम मे हैव बीन डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम ये करेक्ट हो जाता अगर दोनों का स्टॉपिंग टाइम क्या होता सेम होता This would have been correct. If U1 by A1 was equal to U2 by A2. I hope आपको समझ आई है? Yes, sir. तो अब आपका अप्रोच क्या होता बताओ अब आपको क्या इसको ग्राउंड फ्रेम से करना चाहिए था या यू नो मूविंग फ्रेम से करना चाहिए था ग्राउंड फ्रेम से है ना क्योंकि आपको तो ये नहीं पता है ना कि हाँ यू नो कि कौन पहले रुक रहा है बट आपको ये पता है कि कोलिजन मुझे अवॉइड करना है तो बस वही की चीज आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे ये ए वन से जा रहा है तो आप ये मान लो कि ये यहाँ जाके कहीं पे रुक गया कि यहाँ पे जाके रुक गया यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी वन की जीरो हो गई है तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस आपने निकाल लिया ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका डी वन अगर लिखे तो ये हो जाएगा यू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए वन सिमिलरली यहाँ पे बी था इसके पास वेलोसिटी यू टू था और एक्सेलरेशन आपका ए टू था और ये भी यहाँ पे आके जस्ट आके रुक जाए यहाँ पे V2 की वेलोसिटी भी जीरो हो जाए तो इस केस में यहां से यहां तक इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया D2 which is U2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A2 सो देयरफॉर टू अवॉइड कोलिजन D1 प्लस D2 जो होना चाहिए दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू D है ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए राइट देखो A and B. महिमा बंद करिए अभी messages बाद में देखेंगे ठीक है अब आपका वो बाद में देखेंगे A and B are initially सभा आपने भी आंसर किया था सभा ने आंसर किया ऑप्शन डी होगा सभा आपने ये सोचा था ये बात आप लोग अपनी माइक्रोफोन को ऑफ रखिए कितनी बार आप लोगों को बोला है क्लास में रहते हैं आप ध्यान रखिए अपने माइक्रोफोन को जब आप ऑन करते हैं तो फिर ऑफ भी क्या करिए ए एंड बी आर इनिशियली सेपरेटेड बाय A distance L. L distance is separated. A starts moving towards B with
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v1, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ए स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बी विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v1 एंड बी स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली simultaneously with a velocity v2, velocity v2 perpendicular to the initial line connecting AB, connecting A and B, two partners. Find the minimum separation between them. मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, ये पहला पार्ट है. और दूसरा पार्ट है टाइम आफ्टर विच द सेपरेशन वॉज मिनिमम. सेपरेशन वॉज मिनिमम, ये दो चीजें आपको निकालनी है. सिचुएशन जो दिया है फिर से उसको एक बार ड्रॉ करो, अपने आप आंसर मिलना शुरू हो जाए कैसे करना है. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया क्योंकि उसने दे रखा ऑलरेडी, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पे मोशन हो रहा है. यहाँ पे मान लेते हैं बी है और यहाँ पे मान लेते हैं ए है, ठीक है. उसने कह रखा है ए जो है वो बी की तरफ मूव करता है वेलोसिटी v1 से, और बी जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी वेलोसिटी v2 से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है. इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन जो है, इनिशियल सेपरेशन ये आपको एल दे रखा है, और उसके बाद उसने पूछा है इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितनी होगी और कब होगी, ये दो चीजें उसने पूछ रखी है. आप अगर इसको ग्राउंड के फ्रेम से करोगे वो बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा होगा, उसमें कैलकुलस भी यूज करना पड़ेगा, काफी लंबा होगा. बताता हूँ एक बार, मैं बोलूंगा बस सॉल्व नहीं करूंगा. देखो अगर मैं मान लू कि ए यहाँ पे मूव कर गया तो डिस्टेंस जो ये मूव कर चुका होगा कितना मूव कर चुका होगा v1t, और B यहाँ मूव कर चुका है तो जितना डिस्टेंस ये मूव कर चुका होगा वो कितना मूव करेगा v2t. अब ये वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हो या नहीं, देखो तो निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. और फिर ये डिस्टेंस देखो टाइम के टर्म्स में आ रहा है, और आपको पता है कि कोई भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके फिर इक्वल टू जीरो करते हैं, करते हैं ना. यस सर, राइट. तो आप डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल टू जीरो करोगे. डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करने पे आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा जब ये मिनिमम हो रहा होगा, और उसके बाद टी की वैल्यू को आप ये डिस्टेंस में डाल दो फिर आपको वो मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है. ये आपने किया है ग्राउंड से, काफी लंबा हुआ है. अब मैं आपको दिखाता हूँ यही क्वेश्चन को आप अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करते तो कितनी जल्दी हो जाता. बस डायग्राम में ही सारा कैलकुलेशन कम्प्लीट हो जाएगा, देखो अलग से कुछ लिखना नहीं पड़ेगा. आप अपने फ्रेम को किसी एक में सिचुएट करो, तो जैसे ए पे ही सिचुएट कर लेते हैं. अब हमने अगर अपने फ्रेम को ए पे सिचुएट किया तो क्या ए हमारे लिए मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ए हमारे लिए मूव कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा है. अब ए की वेलोसिटी को रिवर्ट करके ऐड करें, ये देखो मैंने रिवर्ट करके ऐड किया, क्या सही लिखा है या माइनस वी वन लिखे है? सर, सही है. सही है. अब वी वन और वी टू का वेक्टर सम करना पड़ेगा, देखो ठीक है, ये देखो तो v1 और v2 का वेक्टर सम किया तो ये लाइन पे आ रही है, ये देखो. तो ये हो गई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a हो गई है. मतलब a को दिखेगा कि b जो है वो इस vba वाली वेलोसिटी से जा रहा है, इस लाइन पे दिख रही है. yes, समझ आ रही है आपको. yes, ये जो हमने दिखा रखा, ये जो हमने दिखा रखा है, दिस इज लोकस. लोकस मतलब पाथ ऑफ b With respect to A. मतलब A को दिखेगा कि B इस लाइन पे जा रहा है, और अगर इस लाइन पे कोई अगर मुझे ऐसा दिखे कि स्ट्रेट लाइन पे चल के जा रहा है तो सेपरेशन सबसे कम कब होगी, जब परपेंडिकुलर होगा उसका, मतलब जो डायरेक्ट, मतलब इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो वही तो मिनिमम सेपरेशन होगा ना, देखो तो. yes, sir. Yes, sir. Right? तो आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, देखो तो क्या आपको ये निकालना है, एस मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है, नहीं निकालना. इसकी वेलोसिटी तो ऑलरेडी आपको पता है, VBA कांस्टेंट है. अब देखो सिंपल ज्योमेट्री यूज करते हैं, देखो ये एंगल को अगर थीटा मार्क करें तो देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है, देखो एक वेलोसिटी वाला ट्रायंगल दिख रहा है और एक डिस्टेंस वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है आपको.
देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, सबको तो नहीं दिख रहा होगा। ये देखो येलो कलर से मैंने मार्क किया, देखो ये वेलोसिटी का ट्रायंगल है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, और देखो यहाँ पे पिंक कलर से मार्क कर रहे हैं, देखो पिंक कलर से मार्क कर रहे हैं। ये देखो ये डिस्टेंस का ट्रायंगल है, दिख रहा है? दोनों ट्रायंगल में थीटा है ना अवेलेबल, है ना? यस सर। वेट कर दें, अब आराम से निकाल सकते हैं। देखो तो एस मिनिमम जो आना है वो कितना आना है, देखो तो एस मिनिमम की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दिस इज एल साइन थीटा, लिख सकते हैं क्या? यस सर। और साइन थीटा की वैल्यू को अब वेलोसिटी वाले ट्रायंगल से सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आएगा, देखो तो एल इंटू साइन थीटा विल बी वी टू बाई वी बी ए विच इज रूट अंडर वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, है या नहीं है? समझ आई? ठीक है, ये एस मिनिमम मिल चुका है आपको, दिस इज ऑलरेडी फाउंड आउट। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, रिलेटिव कितना कवर किया है। देखो तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना है, एल कॉस थीटा है ना, देखो तो है राइट। और एल कॉस थीटा उसने कितनी स्पीड से कवर किया है, VBA से। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग वो कितना लिखेंगे आप, एल कॉस थीटा, कैसे लिख लेते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो दिस बिकम्स एल कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी VBA व्हिच इज रूट अंडर पी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज वेलोसिटी वाले ट्रायंगल से, तो एल इंटू वी वन बाय रूट अंडर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, और वी वन प्लस वी टू स्क्वायर का रूट तो एक और पहले से है तो रूट हट जाएगा, तो वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर किया जाएगा। देखो समझ आ गई सबको? ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखो एक बजे से कभी डेटा याद करने दीजिए मुझे, क्वेश्चन का ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय a distance L. A starts moving towards B with a constant speed V naught, while B starts simultaneously from rest with a constant acceleration a naught. Find the find the minimum separation between them. Minimum separation between उन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितनी होगी आपको ये निकालनी है, बताइए। आपके पास दो मिनट का टाइम है, बताइए क्या होगा।
किसी का नहीं हुआ अभी तक सर वो वी नॉट स्क्वायर बाय 2 क्या 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 वी नॉट स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर बाय 2 और एल ऐड नहीं करेंगे उसमें हां वही मैं पूरा नहीं बोल रही थी इसलिए पूछ रही थी मतलब वो आपने क्या कैलकुलस यूज करके किया है जैसे मैंने रिलेटिव मोशन से सिखाया वैसे नहीं नहीं मैंने रिलेटिव मोशन से ही किया है तो वो मतलब जहां जाके रुकेगा मैंने वो निकाला तो वो v not square by 2 है उसके बाद l का लॉजिक मुझे समझ ठीक है अभी देखते हैं सर l - v not square by 2 है ओके चेक करते हैं देखो ये a है और a का वेलोसिटी टुवर्ड्स b है और ये उसने v नॉट दे रखा है b को हम यहाँ मान लेते हैं और इसका एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये a नॉट दे रखा है इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये सेपरेशन हमें l दे रखा है और उन्होंने ये पूछा है कि उन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन मिनिमम कब होगा तो ये कितना होगा ये निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं अपने फ्रेम को किसी एक जगह सिचुएट कर लेते हैं ए पे सिचुएट किया और अब वी नॉट को रिवर्ट करके ऐड किया अब आपको क्या दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए बी आ रहा है बट डिसेलरेट कर रहा है दिख रहा है ना दिख रहा है तो लोकस क्या होगा सिंस मिनिमम सेपरेशन मान रहे हैं तो उस केस में आप ये मान के चलोगे कि उसको क्रॉस नहीं कर रहा है नहीं तो फिर मिनिमम सेपरेशन नहीं पूछते मिनिमम सेपरेशन उस केस में कितना आता जीरो जाता ना अगर क्रॉस करता तो है ना समझ आ रही है आपको तो ये जो हमने दिखा रखा है ये लोकस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा ठीक है हम ये मान के चल रहे हैं कि कभी भी उसको क्रॉस करके नहीं जा रहा है नहीं तो फिर पूछते ही नहीं क्वेश्चन तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक का ये जो सेपरेशन है ये तो आपको पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस है और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होती है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 है तो वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए नॉट कर लिया तो मिनिमम सेपरेशन जो आई वो कितनी आई एल से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेपरेशन आपका एस मिनिमम हो गया एस मिनिमम बिकम्स एल माइनस ऑफ वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए नॉट दैट्स द राइट आंसर ठीक है समझ आइए हां सर हाँ बोलिए बेटा सर एक्सेलरेशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि टुवर्ड्स लेना है या सेम डायरेक्शन में तो सर v का तो हम लोग एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं ना अगर लेफ्ट साइड में आप लेते तो क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं होता तो फिर तो वो उसकी तरफ एक्सेलरेट करके जाता तो कभी वो उसको क्रॉस करके चला ही जाता जाता ना अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ b को उल्टा कर दोगे तो ए और बी तो एक दूसरे को अप्रोचिंग वाला केस हो गए तो मिनिमम सेपरेशन पूछने का कोई मतलब होगा क्या यस सर हां यस सर सेपरेशन तो जीरो ही हो जाएगी ना उस केस में यस सर समझ आ रही है यस सर ठीक है ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन हम कैसे हैंडल करेंगे मतलब दो ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली ग्राउंड में यू नो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फेंके हुए होंगे हवा में होंगे और उनके बाद उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन को हमें एनालाइज करना है जैसे मैं आपको एक सिंपल सा सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही है अच्छा एक मिनट सॉरी
अभी दिख रहा है बेटा, एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। ओके ठीक है बेटा, अभी देखो सिचुएशन देखो क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग टॉप है, और इस बिल्डिंग टॉप की हाइट मान लो मुझे एच दे रखी है उन्होंने, और हमने क्या किया बिल्डिंग के ऊपर से मान लो एक ऑब्जेक्ट को हमने नीचे फेंक रखा है विद सम वेलोसिटी यू वन, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे ग्राउंड से हमने एक और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रखा है विद अ वेलोसिटी यू टू। ठीक है, ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस है, मतलब टी इक्वल टू जीरो के जीरो पे ऊपर से नीचे फेंका और टी इक्वल टू जीरो पे नीचे से ऊपर फेंका, ये दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है। अब इसमें ये पूछते हैं कि बताओ कि कितने देर बाद ये लोग मीट किए और कहां पे मीट किए, ये आपको निकालना होता है। फाइंडिंग पोजीशन एंड टाइम ऑफ मीटिंग, फाइंड आउट पोजीशन एंड टाइम ऑफ मीटिंग। पहले मैं आपको सबका जो कॉमन अप्रोच होता है एज अ स्टूडेंट वो दिखाता हूं, पहले कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं मतलब आप कैसे करते हो पहले वो दिखाता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपका टाइम सेविंग वाला फैक्टर दिखाऊंगा कैसे होगा। देखो एक चीज आपको ऑलरेडी पता है कि दोनों की ही जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ जी है, पता है ना राइट? ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का भी नीचे की तरफ जी है और नीचे वाले ऑब्जेक्ट का भी नीचे की तरफ ही जी है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर बोलूं तो मान लेते हैं कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं आ चुका है और नीचे वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं आ चुका है, तो दोनों के लिए टाइम तो कॉमन फैक्टर है, तो मैंने दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख दिया। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करें, मान लेते हैं ये हाइट h1 कवर किया उसने और दूसरे वाले ने मान लेते हैं h2 हाइट कवर किया। सर आपका स्क्रीन चल रहा है। ओके ओके एक मिनट, क्या लगा ऐसे? ठीक है बेटा ऑन कर रहा हूं। अभी ठीक है? Yes, sir. अभी दिख रही है? Yes, sir. ठीक है। अब अभी देखो मैंने ऊपर वाले का जो डिस्प्लेसमेंट माना है वो नीचे की तरफ h1 माना है और जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h2 माना है। ठीक है, तो अभी अगर आप दोनों के लिए अगर इक्वेशंस लिखोगे h1 और h2 के लिए, तो h1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी u1 into t and plus half into g into t square, ये लिखेंगे ना? लिखेंगे? Yes. Yes, sir. और h2 के लिए अगर इक्वेशन यूज करोगे तो लिखोगे u2 into t minus of half into g into t square, ये लिखोगे? Yes. Yes. क्या मैंने नीचे आते वक्त g पॉजिटिव लिया है और ऊपर आते वक्त g नेगेटिव लिया है, ऐसा किया है क्या? नहीं सर। क्या मैंने ऐसा किया है नीचे आते वक्त g पॉजिटिव और ऊपर जाते वक्त g नेगेटिव, क्या ऐसा किया है? नो सर। नहीं ऐसा नहीं किया मैंने, अगर किसी को कंफ्यूजन हो ये वाला तो ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि जो मैंने पहले केस में किया है जी का डायरेक्शन जो अज्यूम किया है वही सेम में भी है, दूसरे में भी है, डिफरेंस कुछ नहीं। देखो आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लो, आप देखो फाइनली वही इक्वेशन रिड्यूस हो जाए, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लो। जैसे मान लेते हैं कि हमने नीचे का डायरेक्शन को ही पॉजिटिव चूज कर लिया है। ठीक है, अगर नीचे का डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव चूज किया तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल सही सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही है, वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो सारा पॉजिटिव होगा। बट सेकंड इक्वेशन में जो h2 है वो नेगेटिव हो जाएगा ना? राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, माइनस लिखना चाहिए था। जो u2 होगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए था। बट जो g है वो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था ना? Yes, sir. अगर आप देखोगे तो क्या यही इक्वेशन आ गया? नहीं आ गया। h2 is equal to u2 into t minus of half g into t square, आया नहीं आया? आया? Yes, sir. तो लिखने का तरीका ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि मैंने नीचे आते वक्त के लिए जी पॉजिटिव लिया और ऊपर जाते वक्त जी नेगेटिव लिया, ऐसा नहीं है। जी का जो डायरेक्शन है एक के लिए दूसरे के लिए भी सेम ही है। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर आपने h1 और h2 को ऐड किया, h1 plus h2, तो उससे आपको h मिल जाना चाहिए, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको t मिल जाएगी। t की वैल्यू आ रही है h डिवाइडेड बाई u1 plus u2, दिख रही है ना? क्योंकि हाफ जी स्क्वायर तो कट जाएगा, राइट? दिख रहा है ना? Awesome. और एक बार
और एक बार अगर टी मिल गया तो एच वन और एच टू भी निकाल सकते हैं, जो पोजिशन चाहिए था वो भी मिल जाएगा। तो ये तो अपने ग्राउंड फ्रेम से किया है। अगर यही चीज अगर किसी एक में बैठ के अगर हम करते तो कैसा दिखता सिचुएशन? अगर मान लेते हैं कि यही चीज हमें किसी एक में बैठ के सिचुएशन करना है, जैसे मान लेते हैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट में ही अगर हम सिचुएशन में बैठ के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसा दिखेगा? अब आप सोचो कि कैसा दिखना है। ये ऑल्टरनेटिव आपको दिखा रहा हूं। विद रेस्पेक्ट टू मान लेते हैं लोअर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? बिल्डिंग और अर्थ, ये दोनों तो एक साथ चिपका हुआ रहेगा या बिल्डिंग अर्थ से सेपरेट हो जाएगा? नो सर, तो बिल्डिंग और अर्थ तो चिपके हुए रहने हैं, ठीक है? मैं पहले ग्राउंड से जो दिख रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी जो ग्राउंड वाले दिखा रहे हैं सिचुएशन, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है u1 और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g, ठीक है? और अभी आपके पास सिचुएशन है यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, वेलोसिटी u2 था इसका, ऊपर वाले के लिए वेलोसिटी इज u1 एंड एक्सेलरेशन इज नीचे की तरफ g, ठीक है? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने फ्रेम को आप किसी एक जगह सिचुएट करो, किसी भी एक जगह। तो हमने क्या किया, नीचे वाले पे फ्रेम पे सिचुएट कर दिया है। तो अब ये वाली ऑब्जेक्ट हमारे लिए स्टेशनरी हो गई, नहीं हो गई है? हो गई है, यस सर, यस सर, ठीक है? तो अब आपको अपनी फ्रेम की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके सब में ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने अपनी वेलोसिटी को रिवर्ट करके ऐड किया, ये देखो ये रिवर्ट करके ऐड किया, ये u2 आ गया। एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड किया, ये g आ गया। g या माइनस g? जी सर, जी जी, क्योंकि रिवर्ट तो ऑलरेडी कर दिया तो नेगेटिव इफेक्ट खत्म, ठीक है? और ये दोनों देखो आपस में कैंसिल कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? यस सर। इसका मतलब कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ रही है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ रही है ना? यस सर। और ये क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन पे या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है क्या? नो सर, नो सर। तो दो ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी में फेंके गए हैं तो चाहे डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा कितना आएगा? जी आएगा, नहीं आएगा? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है आपको, रिलेटिव एक्सेलरेशन जी irrespective of the direction of projection, irrespective of direction of projection, मतलब आप किधर भी फेंकते relative acceleration आप zero ही बताते। अगर relative acceleration अगर zero है, इसका मतलब relative velocity constant होगी ना? हाँ सर। इसका मतलब कि एक से बैठ के देखा जाए तो दूसरा उसको constant straight velocity line. आता है। नहीं, straight line तो है ही, but साथ साथ में ये भी important है कि constant velocity से आता हुआ दिखेगा। मतलब वो उसका वेलोसिटी जो चेंज नहीं कर रही होगी, तो जो भी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही हमेशा रहेगी, है नहीं है? इसका मतलब इनिशियली कितना था u1 plus u2, तो वही आपका हर वक्त रहेगा। तो इसका मतलब मतलब नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ये दिखेगा कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से आ रहा है, जो की स्पीड कितना है u1 plus u2, दिख रही है? और इसको ही तो आके उससे टकराना है, क्योंकि जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो तो फिक्स है ना, याद है आपको? यस सर। हां सर। तो इस केस में ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना है ये बताओ, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, h? और क्या हम इसी को रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते थे? यस सर। तो अकॉर्डिंगली टाइम कितना हो गया, देखो u1 u1 u2 into t, सॉरी उल्टा, h by u1, उल्टा बेटा उल्टा, दिस विल बी h by u1 plus u2। समझ आई सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अर्थ क्या वही रहा होगा या अर्थ भी नीचे चला गया होगा? वही सर, वही रहेगा। ये भगवान नालायक लड़की, तुम अगर ऐसे फ्रेम में हो जो ऊपर जा रहा है तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में अर्थ नीचे नहीं जा रहा है क्या? रिवर्ट एंड ऐड करो, गधी लड़की, रिवर्ट एंड ऐड करो। ये u2 को अगर मैं रिवर्ट करके ऐड करूं तो ये u2 इधर नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, और acceleration को revert करके add करें तो क्या दिखना है आपको? ये इधर acceleration, g इधर आएगा। इसका मतलब यहाँ से आप ये वाला data से आप क्या conclusion draw कर रहे हैं? Earth नीचे जा रहा है। Appears to be moving downwards. Appears to be moving downwards. That's it. नहीं समझ आई आपको? Yes. Downwards move कर रहा है, but acceleration क्या है उसका? उल्टे तरफ है, है ना? हाँ सर। Downwards but is decelerated,
इसका मतलब अगर थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर पूछा जाए कि अर्थ और वो यू नो जो बिल्डिंग है वो कहाँ पे दिखेगा आपको, तो वो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा आपके लिए कि आपको ये दिखेगा कि अर्थ जो है वो कहीं यहाँ आ चुका होगा, ये यहाँ कहीं आ चुका होगा, और मैंने आपको बोला है कि वो बिल्डिंग तो उसके साथ चिपका हुआ ही रहेगा ना, तो ये कुछ ऐसा दिखना है आपको, ये यहाँ पे इस पे आपने अपना फ्रेम सिचुएट किया था और ये यहाँ पे आके से टकरा गया था, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए इसको बी कह लेते हैं, तो ये ए और ये बी, ये चिपक चुका है इससे आके, और इस केस में अर्थ जो है वो नीचे भाग चुका है, और कितना डिस्टेंस वो नीचे भागा है वो कैसे निकालोगे, यू टू इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ये करोगे नहीं करोगे? Yes, sir. समझ आ रही है आपको रिलेटिव फ्रेम कैलकुलेशन करना? Yes, sir. ठीक ओके. अब एक चीज सोच के देखो कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी, अगर हम कोई कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है अगर रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना? हां सर. बट ये तब तक होगा जब तक कोई एक जमीन पे नहीं लैंड कर जाता, जैसे दो लोग दो ऑब्जेक्ट है साइमल्टेनियसली एयर में, बट साइमल्टेनियसली ग्राउंड में गिरेंगे ये जरूरी तो नहीं है, कोई एक हो सकता है ना जमीन में पहले गिर जाए, हो सकता है? यस सर. और अगर एक जमीन पे गिर ही गया है तो अब वो फ्रेम तो ग्राउंड फ्रेम ही हो गया ना आपके लिए. हां सर. तो उस केस में अब आपको दूसरा कैसा दिखेगा, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी दिखेगा या एक्सेलरेटेड दिखेगा? एक्सेलरेटेड दिखेगा. इसका मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की, दो ऑब्जेक्ट अगर साइमल्टेनियसली एयर में है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तक जब तक कोई एक जमीन पे नहीं गिर जाता, और ऐसे कोई भी एक अगर जमीन पे गिर चुका है उसके बाद फिर आपको एक्सेलरेशन जी डेफिनेटली दिखने वाला है. समझ आ रही है? तो रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ इनिशियली आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा तब तक जब तक कोई एक जमीन पे नहीं गिरता, और उसके बाद फिर पैराबोला हो जाएगा एक बार कोई एक जमीन पे गिर चुका है, क्योंकि उसके बाद तो s = ut + half jt² वाला फार्मूला लगेगा, है ना? हां सर. ठीक है, तो इस पे जस्ट नोट करके यहां पे मेंशन कर देता हूं, ध्यान रखिएगा. व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड simultaneously in air, then the relative position time graph will be pehla straight line if स्ट्रेट लाइन होगा अगर none of them has fallen on ground since relative acceleration आपकी जीरो आएगी. और दूसरा पैराबोला after one of them falls on ground since a relative जो मिलेगी आपको g मिलेगी. I hope आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है ना ये? Yes sir. ठीक है, अब इस पे बेस करके एक छोटा सा एप्लीकेशन करके देखते हैं फिर आपको समझ आना है. Two objects A and B are projected with velocity okay, 20 meter per second and 40 meter per second respectively and simultaneously in vertically upward direction plot the position of B with respect to A as a function of time
फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, ये करना है. पहले इस सिचुएशन को आप ग्राउंड पे कैसा दिखना है वो पहले आप दिखाओ. एक को वो ए कह रहे हैं, एक को हमने फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऊपर जाके नीचे लैंड करेगा. जो टोटल टाइम इसको लगेगा नीचे आने में वो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, चार सेकंड है ना. T equal to 0 पे फेंका, ये T equal to 4 seconds आ जाएगा, 2 U by G, ठीक है? अब, ठीक है? अभी B को हमने फेंका, ठीक है? अभी B को फेंका है 40 meter per second से, तो ये तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा higher जाएगा, and फिर finally आके यहाँ पे भी land कर जाएगा, ये भी land करेगा, और जब ये land करेगा, तो इसका time कितना होगा? 8 seconds? 8 seconds, yes. ठीक है. अच्छा एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा. एक मिनट जैसे रुकिए, इसको 30 मीटर पर सेकंड करते हैं. हाँ इसको एक मिनट, डेटा बस चेंज कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुकिए, फिर अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो. इससे अच्छा क्वेश्चन, डेटा मतलब ऐसे दिया है जिससे अच्छा नहीं बन रहा है. इसको मान लेते हैं ये 30 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, ठीक है? सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का ना वेलोसिटी अब 30 मीटर पर सेकंड ले लेना. अच्छा देखो अभी अभी सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 6 सेकंड है. यस सर. यस सर. ओके, अब इतना तो आपको पता चल रहा है कि रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब तक होगा, 4 सेकंड तक होगा है ना. यस सर. जो S relative versus time graph होगा, S relative versus time graph will be straight line, will be linear till 4 seconds, ठीक है? और 4 seconds में जो relative displacement cover कर लेगा, S relative, वो V relative into T होगा, है ना? हाँ sir. This will be for t less than or equal to 4 seconds. 4 seconds से कम तक आप ये काम कर सकते हैं. और revert and add करो, आप देखो आपको दिख जाएगा. Revert and add करने में क्या दिख रहा है? 30 minus 20 दिख रहा है? दिख रहा है? Yes sir. और इसके साथ 4 second multiply करने हैं. तो आपको कितना मिल जाएगा? 30 minus 20, 10, 10 into 4, 40. तो 40 meter का separation तब होगा जब B, जब A जमीन पे land कर चुका होगा. A जब जमीन पे land कर चुका है, तब B का पोजीशन कहाँ पे होगा? ऑनवर्ड जर्नी में या रिटर्न जर्नी में? जब A लैंड कर चुका है तो B कहाँ पे है? रिटर्न जर्नी में है या फॉरवर्ड जर्नी में? रिटर्न जर्नी में. ये क्लियरली आपको दिख रहा है, रिटर्न जर्नी में. गुड. तो ये B का जो पोजीशन दिखा रहे हैं, दिस इज एट T इक्वल टू 4 सेकंड्स. तो एक चीज ऑब्वियस है ना कि ये वाली जो सेपरेशन है, यही सेपरेशन आपका 80 मीटर हमने निकाला है. क्योंकि देखो बी ए जमीन पे लैंड कर चुका है और बी जितना दूर उसको दिख रहा है 4 सेकंड पे, यही तो है ना ये डिस्टेंस, है ना? ठीक है. अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये डिस्टेंस अगर मैं बी का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला यूज करके करता तो भी मैच करता. देखो तो एक बार 30 इंटू 4 अगर ऐसे करें, 30 इंटू 4 माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, देखो तो कितना आ रहा है. 30 इंटू 4 इज 120 एंड यहां से 16 का 2 से डिवाइड किया माइनस 80. अरे कुछ गलत किया है, कुछ गलत. 40 होगा सर, 40 लिखा है आपने, 80 लिखा है. कहां पे बेटा क्या गलत किया? आपने डायग्राम में आपने 80 लिखा है. अच्छा हां हां हां, डायग्राम में गलत लिखा. ये 40 मीटर, ठीक है. तो देखो अभी ये आ रहा है 120 माइनस 80 जो कि आपका 40 मीटर आ रहा है. दिख रहा है, मैच कर रहा है ना? दिख रहा है? यस सर. यस सर. ठीक है, और मैंने आपको वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से भी करके दिखाया, ठीक है, वो मैच कर रहे हैं. अब देखो बी अपने रिटर्न जर्नी पे है और उसका एक एक्सेलरेशन भी दिखेगा ए को, तो अब तो पैराबोली होना ही है. तो इस केस में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखना है, देखो इधर टाइम ले रहे हैं, इधर पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा एंड उसके बाद फिर ये पैराबोलिक होगा. ये आपका 4 सेकंड है, ये आपका 6 सेकंड है, और जो मैक्सिमम सेपरेशन इन दोनों के बीच में बनी है ये आपकी 80 मीटर्स की है. समझ आई आपको?
समझ आई? Yes, समझ आई है सभी को? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ मुझे, सपोजिटली अगर मान लो कि ए का प्रोजेक्शन वेलोसिटी को हम चेंज कर दें और ए का प्रोजेक्शन वेलोसिटी को हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो ग्राफ में क्या चेंज आता? आप ट्राई करके बताओ मुझे. इफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ ए, प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ ए वाज 10 मीटर पर सेकंड, देन प्लॉट वो स्ट्रेट होता, रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ. अब बताओ सर, अप टू 2 सेकंड्स वो लाइन स्ट्रेट, 2 सेकंड्स वो स्ट्रेट होता है. हां, फिर उसके बाद पैराबोला हो जाता, उसके बाद पैराबोलिक हो जाता. पैराबोला और पैराबोला के ठीक है, पैराबोलिक होता, बट क्या ये पैराबोला जो है इमीडिएटली डिक्रीज करने वाला बनाते हैं, मतलब डिक्रीजिंग वाला वैल्यू, या फिर थोड़ा ऊपर राइज करता फिर नीचे जाता? थोड़ा ऊपर राइज करके फिर पैराबोलिक, मतलब नीचे जाएगा. हाँ. है ना, क्यों? क्योंकि 2 सेकंड पे जो बी का लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा? असेंडिंग जर्नी में. और असेंडिंग जर्नी में मतलब कि जब ए लैंड कर चुका है तब उसको दिख रहा है कि बी अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है ना? तो उस केस में वही डिफरेंस आएगा. तो इस बार जो आपको दिखना है, तो अच्छी बात है, आप सबको समझ आ रही है. हाँ सर. यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं. नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, आप सबको समझ आ रही है. तो ये हो गया आपका, इस बार 2 सेकंड तक होगा, ये तो आपको समझ आ ही रही है 2 सेकंड तक. और 2 सेकंड में जो रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों की वो कितनी थी? 2 सेकंड तक रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी? 30 - 10, है ना? था ही नहीं था? देखो फिर से कितना आ रहा है, 40 मीटर आ रहा है ना, आ रहा है 40 मीटर. और लॉजिकली सोचो, आना चाहिए था या नहीं? आपको याद है सिमेट्रिकल मोशन, अगर ये कब है? इक्वल टू 3 सेकंड पे, और 3 सेकंड से अगर 1 सेकंड पहले जाए तो 3 t = 2 होगा ही नहीं होगा? Yes, होगा. हाँ, तो t = 2 पे वो जहाँ होगा, t = 4 पे जहाँ होगा, वो सेम होगा ही नहीं बी के लिए? हाँ, समझ आ रही है, इसीलिए वो मैच कर रहा है इसकी, ठीक है. अब इसके बाद फिर एक से, इसके बाद फिर पैराबोला लेना है आपको, और उसके बाद फिर इसको ऐसे पैराबोलिकली इंक्रीज करा के फिर आपको डिक्रीज कराना है, ऐसा कुछ होगा. तो ये वाला पार्ट यही से आपका पैराबोलिक हो गया है, ठीक है, और ये आपका लीनियर है. और मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी अगर निकालना है तो कितनी निकालेंगे? जो मैक्सिमम हाइट ऑफ बी है वही है ना, है या नहीं है? 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यही होगा ना? होगा नहीं होगा? अरे बाबा, हाँ या ना तो बोल दो. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अब एक कॉमन सा यू नो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम का सिचुएशन दिखा रहा हूँ. ऑब्जेक्ट, कई बार आपको बोलते हैं रिलीज्ड, कई बार बोलते हैं प्रोजेक्टेड. फ्रॉम मूविंग फ्रेम, सबसे पहले इन टर्म्स का अब थोड़ा सा यू नो मतलब समझने की कोशिश करो कि इन टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है. उसको रिलीज की तरह ही सोचते हैं, ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट.
और इसका क्या मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी हमारे रिलेटिव कितनी होगी, जीरो होगी, है ना। हमने किसी चीज को जस्ट रिलीज कर दिया तो हमें क्या दिखेगा, वो हमें दिखेगा कि अभी उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो दिखेगी ना, दिखेगी नहीं दिखेगी, राइट। इसका मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी जो आपको दिखेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितनी दिखेगी आपको, जीरो दिखेगी। आई होप यू गेटिंग दिस, समझ आ रही है। velocity with respect to frame will be zero, velocity with respect to frame initially will be zero, initially will be zero। to agar frame khud move kar raha hai to kya wo bhi move nahi kar raha hai ground ke respect mein, kar raha hai nahi kar raha hai? Haan sir, move. Jaise aap aise soch ke dekho, aap ek train mein chal rahe ho to train ke andar jo bhi cheez hai wo chal raha hai ya nahi chal raha hai? और किसी ने वहां से, इमेजिन करो किसी ने वहां से किसी ऑब्जेक्ट को लेके अपने हाथ से छोड़ दिया, तो उसको दिखेगा कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बट क्या ग्राउंड से जो है उसको दिखेगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो? नहीं नहीं, क्योंकि वो तो ट्रेन का फ्रेम का पार्ट था, तो ऑब्वियसली ट्रेन का जो भी वेलोसिटी था वो तो उसके पास रहेगा ही रहेगा, राइट। तो इनिशियल जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उसको जीरो दिखेगी, ठीक है। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं दिखेगी, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बट अगर हम प्रोजेक्टेड कहते हैं तो प्रोजेक्टेड कहने का मतलब क्या है, थ्रो करना, yes, है ना। इस बार आप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो इस बार हम कहते हैं कि हमने इसको थ्रो किया है, दिस इज थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट। और थ्रो करने का मतलब है कि इस बार जो रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव जो होगी ये आपकी नॉन जीरो होगी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम आपको वेलोसिटी नॉन जीरो दिखना है। इस बार आपको एक सिचुएशन ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा क्योंकि हम क्या मीन कर रहे हैं। जैसे यहां पे एक सिचुएशन एक दिखा रहा हूं, जैसे मान लेते हैं यहां पे हमने एक हेलीकॉप्टर ले रखा है, ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर के अंदर मान लो कोई एक इंसान है, और उस इंसान ने यहां से इमेजिन करो कि किसी एक ऑब्जेक्ट को रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट से फेंक रखा है, वी रिलेटिव इक्वल टू वी नॉट है, ठीक है। और ये जो हेलीकॉप्टर है मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको वी एच दे रखी, या वी एच ही मान लेते हैं, चलो वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर के लिए वी एच मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर भी ऊपर की तरफ दे रखता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अपवर्ड। अब आपको ये पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है उसका विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मार्क करो, और विथ रेस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मार्क करो। तो अब मैं इसको देखो एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, को एक बार एनालाइज कर पा रहे हो नहीं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले लिख रहे हैं, ठीक है, उसके देखो जो वेलोसिटी आपने दिया है वो तो अपने रिस्पेक्ट में दिया है, और अपने रिस्पेक्ट में मतलब जो मूविंग फ्रेम है, बट वो तो ऑलरेडी मूविंग फ्रेम का पार्ट था या नहीं था? था, yes, sir, तो उसके पास वो वाला वेलोसिटी जो वेलोसिटी का हेलीकॉप्टर है वो भी था या नहीं था उसके पास? Yes, sir. था ना? Yes, था? Yes, sir. इस केस में सोचो वो बॉल के लिए ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी है VH, और नीचे की तरफ आपने उसको फेंका है अपने रिलेटिव V रिलेटिव से, जो कि है आपका V नॉट, यही है ना सिचुएशन? Yes, sir. तो इसका इफेक्टिव सिचुएशन क्या हुआ, इसके पास नीचे की तरफ का वेलोसिटी कितना हो गया, V नॉट माइनस VH, अगर VH कम है तो, अगर VH ज्यादा होगा तो VH माइनस V नॉट बोलेंगे ऊपर की तरफ, समझ आ रही है? बट yes, so, एक बार ये अगर हमारे हाथ से छूट चुका है तो इस पे कौन सी फोर्स लगेगी ग्राउंड फ्रेम में, सिर्फ mg? यस सर। होगा नहीं होगा? हां सर। होगा या नहीं होगा? हां सर होगा। एक बार ये अगर हमारे हाथ से छूट चुका है, हमारे हाथ से छूट गया मतलब एयर में है, अब किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज mg और नॉट? Yes, sir. और mg को अगर m से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन g मिलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना?
इसका मतलब फ्रेम का वेलोसिटी जो भी था वो उसको मिल रहा है, बट फ्रेम का एक्सेलरेशन जो है क्या वो उसको मिल रहा है? यस सर। नहीं नहीं सर, नहीं सर। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन उसको नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो जी ही आएगा सिंपली। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन आपको जी ही दिखाना है। आपको समझ आ रही है? देखो वेलोसिटी तो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, वो तो उसको फॉरवर्ड मतलब उसको मिल जा रहा है, बट एक्सेलरेशन फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, और फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ जो लग रही है उसके ऊपर हाथ से छूटने के बाद, वो तो जी ही लग रही है ना। और अगर जी लग रही है मतलब एम जी लग रही है, और एम जी को एम से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? जी तो मिलेगा। समझ आई आपको? समझ आई आपको? ओके, अगर देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक सिचुएशन तो ये दिखाया है, तो इसमें जो लोकस दिखता है वो क्या दिखता? ये ऑब्जेक्ट सीधे से नीचे गिर रहा है, ये तो दिखता ना। ये एक पॉसिबिलिटी था। Yes, एक और पॉसिबिलिटी था ना कि अगर VH, एक और पॉसिबिलिटी था अगर VH V0 से बड़ा होता, ये सिचुएशन के अलावा एक और पॉसिबिलिटी इज अगर ये ऑब्जेक्ट के हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी ज्यादा होती तो उस केस में ये ऊपर की तरफ दिखता VH माइनस V0 से जाता हुआ। Yes, sir. और एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही जी रहता, तो इस बार इसका लोकस कैसा होता? ऊपर जाके उसके बाद फिर नीचे आने वाला। तो अगर हेलीकॉप्टर से कोई देखे तो उसको दिखेगा नीचे गिरता हुआ, बट अगर ग्राउंड से देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा? ऊपर गया है फिर नीचे आया। ये समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब इसी चीज को अगर कोई बोले विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर, बताओ कैसा दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर? अब बताओ क्या दिखना है हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? V0 ही है ना? V0. Yes, sir. तो जो आपको दिखेगा वेलोसिटी वो आपको V0 ही दिखेगा, बट एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड करना है ना आपको? करना है नहीं करना? करना है नहीं करना? आपको क्या बताया था? जिस भी फ्रेम में आप रहोगे उस फ्रेम का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो आपकी फ्रेम की एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ कितनी है? मतलब अब ऊपर की तरफ ए थी, ऊपर की तरफ ए थी, उसको नीचे करके आपने एच ऐड कर दिया। समझ आई? तो इसका मतलब अब ये सिचुएशन क्या इसके इक्विवेलेंट हो गया कि इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी एक रिलेटिव वेलोसिटी v0 का है एंड एक रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a रिलेटिव ये आपका g प्लस ah का है। समझ आया? यस सर। आप इफेक्टिवली इसको ऐसे भी सोच सकते हैं दिस इज g इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उस फ्रेम में फील होगा। मतलब उस हेलीकॉप्टर के फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें g, अब g फील नहीं होगा, हमें g प्लस ah फील होगा। समझ आ रही है? यस सर। अब इस केस में तो लोकस पक्का है, ये नीचे की तरफ स्ट्रेट है। इस केस में अब ऊपर आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ आ रही है आपको? हां सर। ठीक है, ये थ्योरी अगर आपको बात समझ आई है तो फिर हम आगे का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थ्योरी समझ आ गई सभी को? यस। ओके, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। A body is thrown vertically up with a relative velocity, V0 from an open elevator. Elevator accelerating up if it lands back on the hands after a time of capital T, then find acceleration of elevator. दो मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करिए। देखिए क्या है, ये दो मिनट भी का वैसे नहीं है, ये एक मिनट के भी अंदर का है। जल्दी करो, देखो क्या रहा है।
क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो सर। जी टी माइनस टू यू साइन थीटा बाय ए। थीटा बीटा कहाँ से? सर टू यू बाय टी कैपिटल टी। सॉरी सर, जी टी माइनस टू यू बाय ए। जी टी माइनस टू यू बाय ए। यस सर। ए बार करते हो यार, ए ए तो यहाँ से देखो देखो चेक करो, अभी हो गया, देखो इधर चेक करो। हमें अपने फ्रेम को इस एलिवेटर पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो v0 ही दिखेगी ना, क्योंकि v0 ऑलरेडी रिलेटिव टू एलिवेटर दे रखा है। दिया हुआ है? यस सर। बस आपको एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा, तो ये एक्सेलरेशन को हमने रिवर्ट करके ऐड कर दिया, तो अब हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी दिख रही है? g plus a downwards, है ना? राइट, g plus a downwards। और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज v0 अपवर्ड्स, तो इस केस में आपको पता है ना ये ऊपर जाएगा एंड फिर वापस नीचे आएगा, मेरे रिलेटिव आएगा। सर, यस सर। इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, क्या ये ट्वाइस ऑफ u रिलेटिव डिवाइडेड बाय a रिलेटिव लिख सकते हैं या नहीं? 2u by g लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको लिख लिया हमने ट्वाइस ऑफ v0 डिवाइडेड बाय g plus a, एंड देयरफॉर a का वैल्यू मिल गया आपको, दिस इज 2v0 डिवाइडेड बाय कैपिटल t माइनस ऑफ g। हो गया आंसर, क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसलिए बोला ये ज्यादा देर का है ही नहीं, एक मिनट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ठीक से करना है। अ लिफ्ट ऑफ फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस, सीलिंग डिस्टेंस of L is accelerating up with with A at an instant when it has a velocity V naught. A bolt attached to the ceiling gets detached. Find the time after which it strikes the floor. देखो कितनी आ रही है, एक मिनट का टाइम है। Sir, V not by G. But देखो तो ग्राउंड के सिचुएशन में क्या यही दिखने वाला है? मैंने एक ड्रॉ किया, देखो तो दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो सिचुएशन ये दिखेगा कि ये जो बॉल है ये थोड़ा ऊपर, मतलब जो बोल्ट है वो थोड़ा ऊपर गया एंड उसके बाद फिर नीचे आ रहा होगा, और जो सरफेस, लोअर सरफेस ऑफ लिफ्ट है जिसको फ्लोर कह रहे हैं, उसको ए बी मान लें, तो यहाँ पे कहीं ए बी वाला लाइन आ चुका होगा और वो यहाँ पे लैंड कर जाएगा, क्या ऐसा ही कुछ होगा? होगा नहीं होगा? Yes. होगा? अरे बाबा कह तो दो, होगा या नहीं होगा? यस सर।
क्योंकि लिफ्ट ऊपर जो बोल्ट है उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, और लिफ्ट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो उसका फ्लोर भी ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे लोग. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मोशन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं करके आप इसको विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही करो. देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में, कुछ करना ही नहीं है. जस्ट हम यहाँ पे अपने आप को लिफ्ट के अंदर सिचुएट करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो ये है लिफ्ट, इस बोल्ट के पास ऑलरेडी वेलोसिटी वी नॉट का था और फ्रेम के पास भी वेलोसिटी वी नॉट का था. इस बोल्ट के पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी का था और इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन ए का ऊपर की तरफ है. अब हमें क्या करना है, हमें अपने आप को अंदर सिचुएट करना है. अंदर सिचुएट किया तो रिवर्ट एंड ऐड से वेलोसिटी अब जीरो दिख रही है ना, हो जाएगा दिख रही है, और एक्सेलरेशन रिवर्ट करके ऐड किया तो अब आपको जी प्लस ए दिख रही है. यस सर. और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, सीधे से एच, मतलब एल का है. यस सर. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितने का होना है, एल. तो क्या आपको ये नहीं पता चला टाइम कितना होगा, तो टाइम विल बी रूट अंडर 2l डिवाइडेड बाय जी प्लस ए. समझ आई आपको? यस सर. सिंपली l इक्वल टू हाफ ऑफ जी प्लस ए इनटू टी स्क्वायर और वहीं से आ गया. समझ आया? हां सर. So, जब initially lift की acceleration a है, तो bolt तो lift से attached है ना? Detached. अरे, ओहो, जब detached हो गया उसके बाद की हम बात कर रहे हैं ना? Detached होने के बाद क्या उसके साथ attachment था उसका? नहीं. तो फिर acceleration हमेशा सोचो forces से related है. आप सोचो कि जब detached हो गया तो उसके ऊपर कौन सा force लग रहा था? सिर्फ mg. और अगर सिर्फ mg लग रहा है तो फिर g acceleration आएगा ना? Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ हॉट एयर बलून इज एक्सेलरेटिंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s². इट इज एट a very high distance above Earth. above Earth. When an object A is released from it at t equal to 0. Released from it at t equal to 0. Another object B is released from it 2 seconds later. Find the separation between them. Find the separation between them 4 seconds after the projection, after the release of B. बताओ क्या आएगा? देखो 2 मिनट का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए. 2 मिनट.
हुआ किसी का? चलो मान लेते हैं हमने एक एयर बलून बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये एयर बलून है और इस एयर बलून की एक्सेलरेशन आपको दे रखी है ऊपर की तरफ, ये आपका 2 m/s² का एक्सेलरेशन है और सारा जो रिलीज या हो रहा है वो इसी के फ्रेम से हो रहा है। तो बेस्ट तरीका होगा कि हम अपने फ्रेम को यहीं पे सिचुएट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहीं पे सिचुएट करके बाकी सबको देखेंगे। यहाँ पे हमने अपने फ्रेम को सिचुएट किया तो पहला ऑब्जेक्ट जो है, पहला ऑब्जेक्ट उसको भी हमने रिलीज किया यहाँ से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको? जीरो। Yes, sir. तो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली जीरो है बट एक्सेलरेशन तो इसका ग्राउंड के फ्रेम में जी नीचे था और रिवर्ट एंड ऐड करेंगे तो जी प्लस ए दिखेगा, राइट। ये हुआ है टी इक्वल टू जीरो पे और उसने जो हमें सेपरेशन निकालने बोला है वो बी के प्रोजेक्ट करने, बी के रिलीज के 4 सेकंड बाद है और बी कब रिलीज किया था हमने? 2 सेकंड बाद ए के। तो टोटल जो टाइम जो ए को ट्रेवल करना है वो कितना टाइम ट्रेवल करना है? 6 सेकंड। तो यहाँ से 216 देखो, भी चेक करो। So, ये ए का पोजीशन हम मार्क कर रहे हैं एंड दिस इज टी इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये वाले डिस्प्लेसमेंट जो ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी सिंपली ये हो जाएगी हाफ इंटू जी प्लस एंड इंटू 6 का स्क्वायर, कर सकते हैं ना? Yes, कर सकते हैं। अभी आपने बी को भी यहां से रिलीज किया थोड़ी देर के बाद और B को जब हमने रिलीज किया तो ये T equal to 2 seconds पे रिलीज किया है, ठीक है। इसका भी acceleration क्या है आपका? नीचे की तरफ G plus A है और इसकी भी initial relative velocity आपको zero ही दिखेगी, ठीक है। और ये जो इसके पास जो time available है वो कितना देर available है इसके पास? 4 seconds। तो 4 seconds में ये कितना displace करेगा ये निकाल सकते हैं? Yes sir। तो ये हो जाएगा half of G plus A into 4 का स्क्वायर। और देखो जो हमें रिक्वायर्ड सेपरेशन निकालना है ये है ना, देखो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा कह सकते हैं ना? हां सर, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ रही है? हाफ ऑफ जी प्लस ए इनटू 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, दैट्स इट। जी प्लस ए में ए तो 2 दिया हुआ था तो हाफ ऑफ ये 12 हो जाएगा एंड 6 का स्क्वायर मतलब 36 एंड 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये 20 आ जाएगा। ये 2 6 से कट जाएगा, 6 2 से 12, 120 मीटर। तो 120 मीटर का सेपरेशन हो जाएगा। देखो कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। An object is released from a bridge 122.5 meters above water surface. 2 seconds after its release, another object is projected vertically downwards, V naught, such that both strike water simultaneously. Find V naught. V naught निकाल लिए। करो देखो क्या रहा है। मुझे पता है आपको टेम्पटेशन ग्राउंड फ्रेम से ही आएगा, आप वही करके देख लो फिर मैं आपको रिलेटिव भी करके दिखाऊंगा।
देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो ए को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये तो तुरंत निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, रूट अंडर 2 एच बाई जी, तो 2 इनटू 122.5 डिवाइडेड बाय जी। अब जी की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, 10 या 9.8? आप क्यू 9.8 यूज करेंगे या क्यू 10 यूज करेंगे, ये आपको कई बार डेटा से आपको समझ आता है। जैसे आप इसको जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 245 आ रही है न्यूमरेटर में, yes. और 245 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 490 आएगा, yes. Yes, और 490 का डबल कर दिया तो कितना आएगा, 980। आपको हिंट मिल रहा है, हाँ सर, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जी का वैल्यू कितना यूज करना चाहिए था, 9.8, समझ आ रही है? इसको 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 4 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, क्यों क्या ये समझ आया आपको, क्यों क्या ये समझ आया? Yes, sir. तो ये वाला टर्म को पूरा का पूरा हम किसके साथ काट सकते हैं, 100 के साथ काट सकते थे ना, और 100/4 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 सेकंड आ गया, समझ आया, परफेक्ट 5 आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? Awesome. और हमने जो ऑब्जेक्ट बी है उसको कब फेंका था, इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, और कह रहे हैं बी भी उसी टाइम पे पहुंच रहा है जब ए पहुंच रहा है, इसका मतलब इसके लिए जो टाइम है ये भी टोटल टाइम, मतलब इवेंट ऑफ टाइम तो 5 सेकंड्स का ही होगा, बट इंटरवल कितना मिला इसको, 5-2 मतलब 3 सेकंड मिला, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट, तो इसके लिए क्या हम डायरेक्टली लिख सकते थे 122.5 इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 3 एंड प्लस हाफ इंटू जी विच इज 9.8 and into 3 का square, कैसा लिख सकते थे? Yes, sir. ठीक है ना? देखो सबको समझ आ रही है ना? Yes, sir. तो यहाँ से ये 2 को तो इधर cross multiply कर ही देते हैं, ये हो जाएगा 245 is equal to 6 V naught and plus यहाँ से हो जाएगा आपका 9 into 9.8 so 9 8 is 72 7 9 9 is 81 81 and 7 is 88.2 so v naught ki value ho gayi hai 245 minus 88.2 and divided by 6 aa jayega to ye value ho gayi aapke paas decimal to 8 ho jayega ye 5 mein se 8 gaya matlab 7 fir 3 mein se 13 mein se 8 gaya matlab 5 aur yahan 1 and divided by 6 aa gaya तो ये अगर आप देखोगे तो यार ये 6 2 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36
कैलकुलेशन का चेक कर लेते। ओहो 15 में 8 गया तो 7 आएगा। ना 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 ना, ना। ये 15 कहाँ था, ये तो 14 था। ओहो ये कैलकुलेशन मिस्टेक किया एक मैंने। ये 156 हो गया, या 156 होगा तो ये वाला वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका अभी आ जाएगा 26 तो रहेगा, अभी 1 फिर 3
26.13 आ रहा है, ठीक है, 26.13 मीटर पर सेकंड आया। अब ये हमने जो किया है किसके रिस्पेक्ट में किया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किया ना? यस सर। अब एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू यू नो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करने की कोशिश करते हैं। आप पहले ये सोचो कि 2 सेकंड में ए कहाँ पहुंच चुका होगा, 2 सेकंड में अगर ए का लोकेशन दिखता है तो कहाँ होगा वो पहले निकाले, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टू का स्क्वायर, मतलब 2g कवर कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी इस वक्त, वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी वो जी इंटू टी, मतलब 2g रहेगी, वेलोसिटी भी 2g है। अब ये सोच के देखो ए और बी का सेपरेशन कितना दिख रहा है, 2g दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दो सेकंड पे ए और बी का सेपरेशन कितना है, 2g, और रिलेटिव वेलोसिटी रिवर्ट एंड ऐड करके मिल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिखना चाहिए। अगर मैं ए पे ही बैठ के अगर बी को देखो, यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए पे अपने फ्रेम को फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ए पे फिक्स करने पे वेलोसिटी ऑफ ए रिवर्ट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए रिवर्ट हो गया, ये कितना आएगा, 2g रिवर्टेड, तो अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालते तो कितना दिखता, बी नॉट माइनस 2g दिखता, यस सर, और इस वेलोसिटी से उसको चलना है कितने सेकंड तक, 3 सेकंड तक, और 3 सेकंड में उनका सेपरेशन कितना जाना चाहिए, 0, क्योंकि दोनों एक साथ पहुंच रहे थे ना, यस सर, राइट, तो ये वाला भी कर सकते थे, ये अल्टरनेटिव वाला मेथड दिखा रहा हूं, ठीक है, ये रिलेटिव वाला कांसेप्ट है, तो देखो ये एकदम बिल्कुल कितना सिंपल कैलकुलेशन है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू द टाइम इंटरवल टी, या डेल्टा टी लिख लेते हैं, दिस इज डेल्टा टी, तो डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी 2g एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वाज वी नॉट माइनस 2g एंड टाइम इंटरवल जो है वो है आपका 3 सेकंड्स, तो यहां से देखो आपको वी नॉट मिल जा रहा है, सो वी नॉट इज कमिंग आउट टू बी 2g बाय 3 प्लस 2g एंड दैट बिकम्स 3 टू 6 8g बाय 3, और 8g बाय 3 करोगे तो 8 बाय 3 इनटू 9.8, 88 इज 64 6 ओहो 8 into 9 is 72, 72 plus 6 is 78, 78.4 divided by 3. So this becomes 26.13 meter per second. देखो exact match करो। अब देखो कौन सा आसान लग रहा है आपको? करने के बाद तो second वाला आसान लग रहा होगा ना? Yes sir. है ना? But एक चीज है ये initially आपसे आपको ना आपको बार बार attempt करना चाहिए इस तरह से, जैसे ground frame में क्या है आप comfortable हो कि ground frame पे आप झटपट calculations कर सकते हो, but उससे lengthy होता है method, देखो calculation जो है थोड़ा lengthy होगा, but अगर आप relative motion से consider करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कभी गलतियां भी करेंगे, but वहीं पे तो आपको सीखना है कि अगर आप करते हो relative motion से और answer नहीं match करता है तो आपको दिखाने की जरूरत है मुझे कि हाँ ठीक है सर देखो ये मैंने किया है इससे आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, आपको समझ आ रही है? यस सर। चलो आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अ हॉट एयर बलून starts rising from ground from rest with acceleration of 5 meter per second square. 4 seconds later, two objects A and B are pehla A is projected vertically up with a relative velocity of 30 meter per second and dusra is B is released अब क्वेश्चन है फाइंड पहला पार्ट है क्वेश्चन का द टाइम आफ्टर विच ए रीचेस
बलून अगेन, ये पहला पार्ट है. एंड दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी आफ्टर बीइंग रिलीज्ड टिल इट रीचेस ग्राउंड. टिल इट रीचेस ग्राउंड, देखो क्या रही है, खुद से करो. So first answer 12 होगा. The first answer part A का 12 होगा. ना. अब क्या कर रहे हैं बताइए मुझे. सर 8 seconds. नहीं. क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए तो मुझे थोड़ा सा. पहले लड़का बताइए क्या किया आपने. कौन बोल रहे हो बेटा, नाम बताइए एक बार अपना. देवार्गो. देवार्गो, बोलिए देवार्गो क्या किया आपने. सर रिलेटिव तो ऑलरेडी दिया हुआ था इसका. रिलेटिव वेलोसिटी 30 है और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है. 5 या 15. ओह सॉरी 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 गलती हो गई. ठीक है ठीक. रिवर्ट करना ही भूल गया. हां सर रिवर्ट करना भूल गया. नहीं इसीलिए बोलता हूँ कि आप सब आप प्रॉब्लम क्या है पता है. प्रॉब्लम ये है कि आप रिलेटिव निकालने का मतलब सिंपली ये सोचते हो a1 माइनस a2 यही करना है. और मैंने आपको यही चीज गलती अवॉइड करने के लिए आपको रिवर्ट एंड ऐड बार बार बोल रहा हूँ. आपका प्रीवियस नॉलेज जो है ना वो रिलेटिव का मतलब ही आप सब्ट्रैक्शन ही करते हैं. मतलब रिलेटिव निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आप ये भी नहीं सोचेंगे कि डायरेक्शन क्या है. और ये चीज ही तो आपको डिफरेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तुम अगर देखोगे तो मैं एक बार भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए कि a1 माइनस a2 करो. मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवर्ट एंड ऐड करो, रिवर्ट एंड ऐड करो. आप अगर रिवर्ट एंड ऐड याद रखोगे तो ये गलती नहीं होगी आपसे. महिमा आपने क्या गलती किया. सर रिलेटिव नीचे तो मैंने वही लिया 15, फिर उसको 2 × 30/15 किया तो 4 सेकंड्स आया. और 4 सेकंड्स के बाद मतलब उसको किया गया था तो टोटल 4 + 4 = 8 seconds. पागल लड़की हो क्या. तुमको पूछ रहा है कि टाइम आफ्टर व्हिच ए रीचेस द बलून अगेन पूछा है उन्होंने. तो इसका क्या मतलब होता है. मतलब बलून जहां से फेंका है वहां के बाद कितना देर के बाद पहुंचेगा वो. तो 4 सेकंड. 4 सेकंड्स. हां 4 सेकंड. 4 सेकंड ही होगा एग्जैक्टली. देखो मैं करता हूं चेक करो. जिनसे नहीं बना है चेक कर लो इसका. रिलेटिव का मतलब आप कभी भी सब्सट्रैक्शन की तरह अगर याद रखेंगे तो आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा याद रखना. और बनेगा भी तो गलतियां करने के चांसेस आपसे ज्यादा होंगे. ये बलून जो है ये आपका 5 m/s² से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है. ये t = 0 का है. थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन दिखा रहे हैं, 4 सेकंड बाद का. ये बलून कहीं यहाँ पे पहुंच चुका है.
दिस इज टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स. तो 4 सेकेंड्स में जो बलून की वेलोसिटी हो चुकी होगी, वेलोसिटी ऑफ बलून दैट विल बी 80, मतलब 5 × 4 यार आपकी 20 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस हो चुका होगा दैट विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. सो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, सो हाफ इंटू एक्सेलरेशन विच इज 5 × टाइम का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर करना है. तो ये हो गया 8 × 5 = 40. तो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है. अब यहाँ से हमने a को ऊपर फेंका है रिलेटिव वेलोसिटी के साथ. सो ये उसने दे रखा है, दिस इज v रिलेटिव इज 30 मीटर पर सेकेंड. और इसके रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए तो एक्सेलरेशन भी तो आपको रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो ऑलरेडी रिलेटिव है, तो उसमें कुछ रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है. बट एक्सेलरेशन में तो आपको जी प्लस ए लेना पड़ेगा ना, जी था इसके पास. तो अगर आपने अपने फ्रेम को यहाँ सिचुएट किया तो आपको ये वाला एक्सेलरेशन तो इसमें ऐड करना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो जी प्लस ए दिखेगा. तो अब आपको सिंपल सा सिचुएशन है, ये ऊपर जाएगा और यहाँ से आता हुआ दिखेगा. तो जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है तब का टाइम निकालने के लिए, ये टाइम अगर बात करें टाइम ऑफ जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती थी वो कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई ए रिलेटिव, दैट्स इट. सो ट्वाइस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 15 एंड ये हो गया आपका 4 सेकंड. तो 4 सेकंड के बाद ये इवेंट हो रहा है. उसके बाद उसने पूछा है कि ए ने बी ने कितना डिस्टेंस यू नो ट्रैवल किया है ग्राउंड में गिरने तक. तो बी को सिंस ये रिलेटिव रेस्ट से हमने फेंका है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी बन जाएगी, वो बलून के वेलोसिटी से मैच करेगी. और बलून का वेलोसिटी कितना था आपका 20 मीटर पर सेकेंड. और इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ जी है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड उसके बाद फिर ये आके नीचे आके लैंड करेगा, दैट्स इट. तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो पहले तो ऊपर जाने का जर्नी है. ये ऊपर जाने का जो जर्नी है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g और ये हो जाएगा आपका 20 मीटर. तो 20 मीटर ऊपर गया है और 20 मीटर नीचे भी आया है एंड उसके बाद फिर 40 मीटर और एक्स्ट्रा कवर किया उसने, क्योंकि 40 मीटर ऊपर तो था ही पहले ही. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी दैट विल बी इक्वल टू 20 + 20 + 40 एंड देयरफॉर दिस इज 80 मीटर. समझ आई सभी को? यस सर. सबको समझ आ रही है? यस सर.